नमस्कार, दिस इज आलोक. आई एम 24/7 सर्विंग फॉर द मनोविकास फैमिली विथ माय स्वीट डॉटर एंड माय डेडिकेटेड वाइफ एंड अ स्पेशल नेशनल अवार्डी एज ए रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट फॉर पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी एंड द फाउंडर ऑफ मनोविकास फैमिली. आई लव एंड सेलिब्रेट डाइवर्सिटी एवरी मोमेंट इन माई लाइफ. वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल ऑन इंडिपेंडेंस डे. Special episode of Mashwara 33.0 episode. Mashwara is a live consultation for person with intellectual and developmental disabilities during coronavirus outbreak. आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और मशवरा के इस 33वें अंक में हम आप सभी का स्वागत करते हैं. coronavirus प्रकोप के दौरान बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए लाइव परामर्श का माध्यम है यह मशवरा. I welcome all our guests and audience. Today we are going to talk about the learning paradigm in the new reality of holistic approach in inclusive education. आज हम मशवरा में एक जो बात करने वाले हैं वह है समावेशी शिक्षा में एक समग्र दृष्टिकोण, जो पैराडाइम शिफ्ट के बारे में बात करते हैं उसके बारे में, से नए यथार्थ जो न्यू रियलिटी है उसमें सीखने, उसमें क्या हमने सीखा है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे. जो ये COVID-19 में हमारा क्या पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, क्या हमारे साथ रियलिटी फेस हुई इन द टर्म्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. वी नो दैट ऑल इंक्लूसिव एजुकेशन इट मींस अ डेवलपमेंट फॉर ऑल चिल्ड्रेन इन द सेम क्लासरूम विथ इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, फिजिकल, आर्टिस्टिक, क्रिएटिव एंड स्पिरिचुअल पोटेंशियल in the same environment and in the togetherness. It means inclusion is ensuring a learning opportunity for all within the same environment. हम जानते हैं कि समावेशी शिक्षा का अर्थ एक ही कक्षा में सभी बच्चों का एक साथ बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक, कलात्मक, रचनात्मक और आध्यात्मिक क्षमता का विकास करना है. इसका अर्थ है कि हम सभी को सीखने के लिए समान अवसर देना या सभी को सीखने का समान अवसर प्रदान करना. On this occasion of 74th Independence Day, we are doing Mashwara on the learning paradigm in the new reality of a holistic approach in inclusive education. We also focus on the equitable access to education for the person, the children, those who are living in the remote areas, rural areas. 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम समावेशी शिक्षा में समग्र दृष्टिकोण के नए यथार्थ में लर्निंग पैराडाइम, जो समग्र दृष्टिकोण है, में क्या बदलाव हो रहा है पर मशवरा करने वाले हैं, मशवरा कर रहे हैं. आज हम दूरस्थ शिक्षा जो की बात करते हैं, जो ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, आज सभी उसी के बारे में बात करते हैं. और उसमें हम ये भी देखेंगे कि जो वंचित क्षेत्र में हमारे ऐसे दिव्यांग छात्र हैं जिसको हम, उनके ऊपर भी ध्यान केंद्रित करेंगे कि उन्हें कैसे सुगम और समानता के साथ उन्हें भी पढ़ाया जा रहा है. आज हमारे सभी मेहमानों, दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ. खैर मकदम आपले स्वागत आहे बड़कम. The Mashwara Live consultation is through Zoom and Facebook Live for person with intellectual and developmental disability and their families, professionals, caregivers during this coronavirus outbreak. यह मशवरा लाइव परामर्श कोरोनावायरस प्रकोप के दौरान फेसबुक के माध्यम से लाइव है. बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजन, उनके परिवारजनों के लिए और देखभालकर्ताओं के लिए भी लाइव है. मशवरा की हर श्रृंखला आप सभी के लिए है और आप सभी से मशवरा है. कृपया हम एक साथ मशवरा में जुड़े रहें. मशवरा सीरीज इज फॉर ऑल. प्लीज सर्कुलेट एंड ज्वाइन टुगेदर. We have been doing this Mashwara since 30th April. This is our episode number 33. We have already reached more than 1 lakh views from in all our episodes. And we would like to inform you that the average coverage of Mashwara is 30% viewers are from Delhi and NCR. And 60% are from other states, including Ladakh, Lakshadweep, Daman, Diu, and Manipur, and etc. And we also acknowledge and welcome the presence of about 10% international audience, international viewers from different parts of the world. And we thank you all for joining us. Once again, I welcome and appreciate our special guests to join this Mashwara Live.
दिस एपिसोड इज ब्रिंगिंग यू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज माय प्लेजर टू वेलकम मिसेस सीमा तुली मैम. वी वेलकम यू मैम एंड सी इज द प्रिंसिपल ऑफ अमर ज्योति स्कूल. वी वेलकम यू मैम इन मशवरा. एंड वी हैव द नेक्स्ट गेस्ट इज द मैडम अर्चना सिन्हा. सी इज द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इटावा उत्तर प्रदेश. वी वेलकम यू मैम. एंड वी हैव द अक्षी नकवी मैम एंड सी इज द कोऑर्डिनेटर ऑफ रेनबो डिपार्टमेंट ऑफ KIS. वी वेलकम यू मैम. एंड दिस सेशन इज प्रेसिडेड बाय आवर प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर ऑफ इभास डॉक्टर निमेश जी देसाई सर. वी वेलकम यू सर. एंड वी हैव साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन बाय राखी रमोला. मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ मशवरा लाइव में शामिल होने के लिए. आपका आभार व्यक्त करता हूँ. मैं आभार व्यक्त करता हूँ सीमा तुली मैम का, अर्चना सिन्हा जी का और अक्षी नकवी मैम का और डॉक्टर देसाई सर का. सो वी विल गो टू द डॉक्टर देसाई सर टू स्टार्ट विथ टूडे. आई हैव नथिंग टू से. आज मैंने कुछ भी मैंने ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ. कुछ बोलिए जी सर. सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको. वी आर एंटरिंग द 74th ईयर एंड दैट्स वंडरफुल. वी कंप्लीट 74 एंड 75 इन अ कपल इयर्स. आपकी यस सर सॉरी आपकी आपकी और पूरी टीम की कर्तव्य निष्ठा और खासकर हमारे पार्टिसिपेंट्स की कर्तव्य निष्ठा ये प्रतीत होती है कि ऐसे दिन भी हम लोग इतने तादाद में यहाँ मौजूद हैं. विनय भाटिया है, बहुत सारे हमारे जानकार दोस्त हैं. मुझे क्या आया जी जी कैन यू हियर मी जी जी सर जी सर ओके वेरी नाइस. मुझे विचार यह आया कि जैसे हमने पिछले हफ्ते बात की थी या अब दो दिन पहले मन भवन और मशवरा मिला के 1,00,000 से ज्यादा टोटल व्यूअरशिप व्यूअर ओकेशंस हो गए हैं. ये बहुत बहुत काबिले तारीफ बात है. मशवरा और मन भवन दोनों टाइटल बहुत अच्छे हैं, उनका कंटेंट बहुत बढ़िया रहा है जितना मैं देख सुन पाया हूँ. लेकिन पहली बार मुझे विचार यह आया कि इट्स स्टिल अ बिट डाइडेक्टिक. और चूंकि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, समहाउ मेरा चंचल मन दौड़ने लगता है कि क्या हमारे मशवरा के प्लेटफॉर्म को भी हम जो थोड़ा सा इंटरेक्टिव है क्या और इंटरेक्टिव बना सकते हैं. तो आने वाले दिनों में और हफ्तों में अगर हम मशवरा को थोड़ा और इंटरेक्टिव करें, बिकॉज प्रीडोमिनेंटली बिकॉज यू गेट वंडरफुल एक्सपर्ट्स एंड पीपल आर वेरी पैशनेट एंड एक्सपीरियंस्ड, एक तरफा प्रवाह तो हो जाता है, लेकिन शायद अभी भी और अच्छा हो अगर हम इसको और इंटरेक्टिव कर पाए. बिकॉज टू कम बैक टू द टॉपिक एजुकेशन सिस्टम इन जनरल एंड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, आई गेस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स बिसाइड्स इंक्लूसिविटी इज द इंटरेक्शनल मोड ऑफ लर्निंग. तो मोड ऑफ लर्निंग डायडेक्टिक ना हो के इंटरेक्टिव हो, ये हम सब मानेंगे. तो आई एम श्योर हम अपने एक्सपर्ट्स से इंक्लूसिव एजुकेशन अबाउट बैरियर्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन गुड मॉडल्स एंड व्हाटएवर एज दे हैव बीन एबल टू डू. बट ये एक विचार मुझे लगा कि हम सबके सामने आलोक रख दिया जाए. जी जी ग्रेट सर. फ्यूचर में मशवरा को थोड़ा और इंटरेक्टिव कैसे बनाए. सीमा जी, अक्षी एंड थर्ड एक्सपर्ट अर्चना जी Welcome on behalf of Mono Vikas and on my part, and I'm here to listen to you. Don't mind if I'm doing some file work alongside because I'm a multitasker. Thank you very much. Yes, sir. Great, sir. Thank you, sir. We will definitely. हमारे मन में भी ये आ रहा था और मैं तो ये बात करने वाला ही था कि we have to think कि हम और भी ज़्यादा interactive बनाएं. बीच में हम लोगों ने एक good practice का भी series शुरू किया है कि so that we can take the good practices from different part of country. उसमें भी थोड़ा interaction हो और we will take care of it. And thank you, sir. So we'll go to the our expert today's speaker, Madam Seema Tuli ma'am. And at Amar Jyoti Charitable Trust, we have observed the evolving concept of holistic education, which has
यू नो डेवलप्ड द प्रोस्पेक्टिव ऑफ एवरी चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल इमोशनल सोशल फिजिकल आर्टिस्टिक क्रिएटिव स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एट अमर ज्योति वी हैव ऑब्जर्व इट एंड मनोविकास अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट में हमने समग्र शिक्षा की उभरती अवधारणाओं को देखा है जिससे छात्र में बौद्धिक भावनात्मक शारीरिक कलात्मक हर तरह की रचनात्मक हर तरह का विकास का परिपेक्ष होता है. मैडम इन योर ओपनिंग नोट्स प्लीज टेल अस योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस COVID-19 सिचुएशन. डेफिनेटली वी हैव रीडिफाइंड द लर्निंग अप्रोच ऑल्सो वी हैव डिटरमाइंड द गैप्स टू रीच द फ्यूचर टारगेट ऑडियंस और फ्यूचर टारगेट क्वालिटी एश्योरेंस फॉर द चिल्ड्रन. मैम आप अपने ओपनिंग नोट में कृपया हमें ये बताइए कि जो COVID-19 की स्थिति के दौरान आपने क्या क्या अनुभव किया है कि जो हमारा सीखने का सिखाने का जो दृष्टिकोण बदला है किस तरह से उसको आपने परिभाषित किया है अपने भाषा में. मैम सीमा तुली मैम यस डॉक्टर देसाई आलोक जी इंदिरा जी एंड द एंटायर मनोविकास फैमिली सबसे पहले तो आप सभी को 74th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. एंड इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता था इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में चर्चा करने के लिए क्योंकि हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो भी यही कहती है उसका विजन ही ये है दैट वी वॉन्ट टू सी इंडिया ट्रांसफॉर्म इंटू अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर. सो मैं कंग्रेचुलेट करूंगी आलोक जी को कि आपने आज के दिन ये टॉपिक के बारे में चर्चा करने के लिए सोचा. बिफोर वी टॉक अबाउट एनीथिंग आई थिंक मैं जो रियली चाहूंगी आप लोगों के साथ बात करना कि इंक्लूसिव एजुकेशन के सही मायने क्या हैं. बिकॉज ये एक ऐसा टर्म है जो कि हम काफी टाइम से यूज तो कर रहे हैं पर इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और ग्राउंड रियलिटी में इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या चाहिए इसके बारे में क्लैरिटी अभी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमी है. तो टू बिगिन विथ लेट अस ऑल फर्स्ट अंडरस्टैंड कि इंक्लूसिव एजुकेशन का तात्पर्य क्या है. अगर आप डेफिनेशन देखें सो इंक्लूसिव एजुकेशन मींस ट्रांसफॉर्मिंग द इंटायर स्कूल सिस्टम इन सच अ वे दैट यू आर एबल टू अकोमोडेट ऑल चिल्ड्रन विद और विदाउट डिसेबिलिटीज बॉयज और गर्ल्स मार्जिनलाइज और फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड. सो इंक्लूजन की शुरुआत जो होती है वो माइंडसेट के चेंज से होती है. इस शुरुआत का जो बिगनिंग है वो होता है एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटी से कि डाइवर्सिटी इज अ रियलिटी ऑल ऑफ अस आर डिफरेंट नन ऑफ अस आर द सेम. आलोक जी के अलग स्ट्रेंथ है और अक्सी के अलग स्ट्रेंथ हम सबके स्ट्रेंथ अलग हैं. सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट वी हैव टू एक्सेप्ट डाइवर्सिटी एंड ओनली व्हेन वी एक्सेप्ट डाइवर्सिटी डू वी मूव फॉरवर्ड. और इसका जो है सबसे बड़ा उदाहरण हमारा अमर ज्योति में पिछले 40 साल से हमने प्रोपोगेट यही किया है कि हमें जो हमारे विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी बच्चे हैं उनको हम साथ लेके आगे बढ़े. तो इसका जो हमने शुरुआत करी थी पेड़ के नीचे करी थी 30 बच्चों के साथ करी थी 15 विद डिसेबिलिटीज एंड 15 विदाउट. एंड उस टाइम पे हमारी फाउंडर एंड मैनेजिंग सेक्रेटरी को बोला जाता था कि एक पागल औरत है जो पेड़ के नीचे बैठती है. और आज जब मैं उनसे पूछती हूँ कि हाउ कुड यू गो अबाउट विद योर विजन विद एवरीवन कॉलिंग यू मैड ऑल शी सेज इज आई न्यू दैट व्हाट आई वाज डूइंग वाज राइट. और जो हमारे विद डिसेबिलिटी बच्चे हैं उनको पूरा हक है रेगुलर स्कूल सिस्टम में आने का. सो मैं सभी से जो यहाँ मौजूद है उन सबसे कहूंगी लेट अस ऑल बी मैड इन आवर थिंकिंग प्रोबेबली यू नो वी कैन क्रिएट अ गुड मॉडल लाइक अमर ज्योति जिसमें हमने हमेशा कहा है कि बच्चों को एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम आगे लेके जाएं. और जब हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं तो इसमें अकेडमिक्स के साथ साथ इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड कल्चरल एक्टिविटीज मेडिकल फैसिलिटीज एंड प्री वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग ये सभी को साथ में लेके हम आगे बढ़ते हैं. हमारे विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी बच्चे एंड वी हैव चिल्ड्रन विद क्रॉस डिसेबिलिटीज हियरिंग इम्पेयर्ड विजुअली इम्पेयर्ड डेफ ब्लाइंड इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड इन सभी बच्चों को सामान्य अवसर दिए जाते हैं टू पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्कूल सिस्टम. और इंक्लूजन की शुरुआत इसी से होती है. और इसमें अगर हम देखें तो की प्लेयर्स जो हमारे हैं वो पेरेंट्स मैनेजमेंट एंड टीचर्स ये तीन हमारे की प्लेयर्स हैं क्योंकि शुरुआत विजन के साथ हेड से ही होती है. एंड पेरेंट्स को साथ में लेके चलना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो टीचर्स हैं वो हमारी मेन की प्लेयर्स हैं जो मैं कहती हूँ जो फैसिलिटेटर्स हैं वो हमारे मेन की प्लेयर्स हैं. और अगर हम देखें तो एक्चुअल इशू इंक्लूसिव एजुकेशन को रियलिटी बनाने का यही है दैट हमारे टीचर्स आर नॉट ट्रेन्ड वेल इनफ to accommodate children with disabilities into regular classes. New education policy bhi special educators ki baat karti hai.
बट हम जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि व्हाई नॉट ट्रेन ऑल द टीचर्स, इवन द रेगुलर टीचर्स शुड बी ओरिएंटेड इन हैंडलिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, ओनली देन इंक्लूजन विल बी अ रियलिटी. ये COVID-19 ने हम सभी को बड़े ही विचित्र परिस्थितियों में डाल दिया था. एकदम से लॉकडाउन, बच्चों, टीचर्स वर नॉट वेल इक्विप्ड, द स्टूडेंट्स, सडनली वी वर हिट बाय अ थंडरस्टॉर्म, इफ आई कैन से COVID-19. सो जो सबसे पहला चैलेंज कोविड के दौरान जो हमारा ये आया वो यही था कि हमने ये रियलाइज किया कि हम एक्सेसिबिलिटी की तो बात करते हैं पर सबसे ज्यादा जो इशू है दैट द टेक्नोलॉजी इज नॉट एक्सेसिबल. हमारे जो बच्चे जिस वर्ग से आते हैं उनके पास ना स्मार्टफोन्स, ना एंड्रॉइड फोन्स, ना लैपटॉप्स, कुछ भी नहीं, और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स हैड ओनली कीपैड. तो सबसे पहला जो स्टेप था वो बच्चों को इकट्ठा करके बच्चों को कनेक्ट करने का था. सभी बच्चों को साथ में लिया गया, उनके ग्रुप्स हमने बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए. जिन पेरेंट्स के पास सिर्फ कीपैड फोन थे उनके चाचा, मामा, दादा, पंचायत के जो लोग हैं उनको इकट्ठा करके उनको कनेक्ट किया गया. क्योंकि अमर ज्योति में हमने हमेशा कहा है डिफिकल्ट है बट पॉसिबल है, और इसी के साथ हमने इस सिचुएशन को भी फेस किया. सो वंस दीज चिल्ड्रन वर कनेक्टेड, दूसरा सबसे बड़ा इशू जो ये आया कि हमारे पास एक्सेसिबल ई लर्निंग मटेरियल की बहुत कमी है. हमारे पास NCERT के वीडियोस हैं पर वो वीडियोस जो विद डिसेबिलिटी हमारे बच्चे हैं वो तो एक्सेस ही नहीं कर, देयर इज नो साइन लैंग्वेज इन इट, देयर इज नो कैप्शनिंग. सो द लर्निंग मटीरियल टोटली इनएक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज. सो इस परिस्थिति का सामना करने के लिए सबसे पहले हमने अपनी टीचर्स को ट्रेन किया बिकॉज द टीचर्स वर ऑल्सो नॉट इक्विप्ड टू हैंडल सच अ सिचुएशन. सो ऑल आर टीचर्स वर ट्रेन्ड थ्रू द NIIT फाउंडेशन इन हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी टू क्रिएट एक्सेसिबल लर्निंग मटीरियल. और हमने यहाँ पे अपने व्हाट्सएप पे वीडियोज बना के, साइन लैंग्वेज विंडो डाल के, कैप्शनिंग करके लेसन प्लान्स बनाए बच्चों के लिए, एक्सेसिबल लेसन प्लान्स बनाए सो दैट बच्चे घर बैठे आराम से शिक्षा प्राप्त कर सके. एंड NIIT फाउंडेशन अगले 6 महीने हमारे हमने पेरेंट्स के साथ काम किया एंड द पेरेंट्स वर ट्रेन्ड इन हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी. और पेरेंट्स को साथ लेके और स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करके हमने इसको आगे बढ़ाया है. एकेडमिक्स के अलावा जो सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों ने इस दौरान में देखी है कि काफी सारे बच्चों के इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे थे और उन इश्यूज को हमने डील करने के लिए काउंसलिंग स्टार्ट करी. बहुत सारे हमारे विद डिसेबिलिटी बच्चे थेरेपेटिक इंटरवेंशन पर डिपेंड करते हैं, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी. और इस लॉकडाउन के दौरान हमारे बच्चों के थेरेपेटिक सेशंस जो थे वो काफी हद तक अफेक्ट हुए. सो कीपिंग दिस इन माइंड वी स्टार्टेड थेरेपेटिक सेशंस आल्सो ऑनलाइन. टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है कि जितना एक्सप्लोर करें उतनी ही हमको धीरे धीरे करके ही समझ आती है. अभी भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं पर हमने ये ठान लिया है कि हार नहीं मानेंगे. तो हमारे सारे बच्चों के ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी के सेशंस हम ऑनलाइन इन बच्चों के कंडक्ट करवा रहे हैं अभी. सबसे जो जरूरी है वो ये है कि टीचर्स की स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सेसिबल ई लर्निंग मटेरियल रेडी करना इस दौरान पे. और ये पॉसिबल इसीलिए हुआ है कि हमारी एक 3H की थ्योरी है जो कि मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी. 3H as in head, heart and hands. So हम ये बिलीव करते हैं कि अगर हमने मन में ठान ली है और सोच लिया है कि इंक्लूजन करना है, अब चाहे वो डिजिटल इंक्लूजन है, अगर हमारे हेड ने ठान लिया है और हार्ट हमारे साथ है तो हैंड्स विल वर्क अकॉर्डिंगली. एंड कीपिंग द 3H इन माइंड, द हेड, हार्ट एंड हैंड्स, वी आर गोइंग अहेड विद दिस कोविड सिचुएशन. अभी भी हम समझ रहे हैं टेक्नोलॉजी को बट अमर ज्योति में जैसे हम हमेशा कहते हैं हमारी कहानी दी और तूफान की कहानी रही है शुरू से. अभी भी इस तूफान का सामना भी हम उसी जज्बे के साथ कर रहे हैं. बट एक चीज हम यहाँ पे जरूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी दैट व्हाट इज रियली रिक्वायर्ड एंड आई एम श्योर देसाई सर वुड अग्री विद मी इज दैट ऑल ऑफ अस नीड टू वर्क टुगेदर. हमारी जैसी संस्थाएं सब साथ में आके एक साथ मिलजुल के ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक्सेसिबल लर्निंग मटीरियल जब तैयार करेंगे तो ये जर्नी सबके लिए ही सक्सेसफुल रहेगी. सो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी दैट देयर इज अ नीड टू क्रिएट
one organized system on how to prepare accessible learning material for children with cross disabilities. So यही मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाह रही थी. एंड आलोक जी ने मुझे 5 मिनट का वक्त दिया है, नहीं तो मैं थोड़ा सा और अमर ज्योति और 5 मिनट और अगला 5 मिनट आने वाला है आपके पास. और आज तो देसाई सर ने गंगा खोल दी है, बहती गंगा, कि कोई भी कभी भी पूछ सकता है सवाल, तो हम लोग जरूर अपने ऑडियंस के पास जाएंगे. सो यू विल गेट lot of time to say many thing about your work. So thank you, ma'am. आपने जो आप एक बहुत अच्छी बात की, 3H, head, hearts and hand. ये बहुत ही उम्दा किस्म का, मैं अपने life का जो इस sector की शुरुआत ही मैंने अमर ज्योति में काम करने से start किया था. And I have seen it very closely कि कैसे आप सभी मिलके काम करते हैं, और मैं भी अभी तक अपने आप को अमर ज्योति का ही part मानता हूँ. So thank you, ma'am. And again, I'll say ki if you have any questions, any query, any suggestions, kindly drop your message in the message box. Agar aapke paas koi sawal, sujhav hai, to hum aapka swagat karte hain. Aap hume Facebook ke madhyam se bhi, agar live hai, aap wahan bhi dal sakte hain. Yahan par bhi aap apna prashn saajha kar sakte hain, aur hum aapke prashn ko jarur अपने जो एक्सपर्ट है वहां तक ले जाने की कोशिश करेंगे. मैडम अक्सी नकवी जी, आई हैव सीन यू योर वर्क एंड यू हैव रिच एक्सपीरियंस वर्किंग इन द इंक्लूसिव क्लासरूम. आई हैव सीन इट वेरी क्लोजली एंड हाउ यू आर प्रायोरिटाइजिंग एंड मेकिंग द रीजनेबल अकोमोडेशन इन करिकुलम, प्लानिंग फॉर द लर्निंग गोल्स, एंड यू हैव योर कोर एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट ऑफ द इंक्लूसिव क्लासरूम, एंड वी रियली एडमायर ऑफ योर वर्क. एंड आपके पास एक समावेशी कक्षा में काम करने का समृद्ध अनुभव है, पाठ्यक्रम और सीखने के लक्ष्य को उचित गुंजाइश के साथ उसको प्राथमिकता देने का जो आपका मुख्य काम है वो बहुत ही काबिले तारीफ है. प्लीज टेल अस अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर टू मेक द क्लासरूम इंक्लूसिव एंड टेक्नोलॉजी फॉर दिस पर्टिकुलरली ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम. The technology for the online learning or distance learning platform, how you have used and how you have coped with this COVID-19 situation. Is COVID-19 स्थिति के दौरान जो दिव्यांग छात्रों के लिए आपका जो आपके द्वारा जो उपयोग किए गए हैं किए जाने वाले online learning या दूरस्थ शिक्षा के बारे में platform के बारे में बात करें, तो आपने अपने कक्षा को समावेशी कैसे बनाया, कैसे आपने ये बुनियादी ढांचे तैयार किए और कैसे आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, इसके बारे में कुछ बताइए. अक्षय नकवी जी, नमस्कार सर. नमस्कार. एंड आप सबके बीच में बात करना मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, स्पेशली सीमा मैम के बाद बात करने आना. अमर ज्योति की प्रोडक्ट हूं एंड आई हैव वर्क्ड विद देम आल्सो एंड आई हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग एंड द काइंड ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग. अब क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, सो आई वुड लाइक स्टार्ट ऑफ क्विकली विद व्हाट वी हैव डन ड्यूरिंग द पास्ट 5 मंथ्स. इनिशियली आई एम फ्रॉम कोठारी इंटरनेशनल स्कूल एंड आई एम द कोऑर्डिनेटर ऑफ द रेनबो डिपार्टमेंट देयर. द रेनबो डिपार्टमेंट इज अ ग्रुप ऑफ 6 स्पेशल एजुकेटर्स एज ऑफ नाउ एंड 1 ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट. एंड हम लोग इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन फैसिलिटेट करते हैं, इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. हम टीचर्स के साथ काम करते हैं, हम पेरेंट्स के साथ काम करते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं, ऑफ कोर्स मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं, ताकि सारे लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाएं एंड वी डेवलप अ म्यूचुअल एक्सेप्टेंस अबाउट द चाइल्ड्स नीड्स, ताकि हम एक सबसे बेहतर प्रोग्राम डिजाइन कर पाएं उस चाइल्ड के लिए. सो नाउ एज मैम हैज ऑलरेडी सेड दैट COVID-19 स्टक अस एज सडनली एंड नन ऑफ अस वर प्रिपेयर्ड. तो हम लोगों ने भी वी हैव अ वेरी डायनामिक प्रिंसिपल एंड वी गॉट अप एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. इनिशियली हमने जूम का यूज किया, व्हाट्सएप का यूज किया, बट क्विकली वी शिफ्टेड टू जी सूट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर इन वी हैव अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड गूगल क्लासरूम्स. इट इज अ वेरी गुड सिम्यूलेटर ऑफ द क्लासरूम. उसी तरह से जिस तरह बच्चों का एक फिजिकल क्लासरूम होता है, उसी तरह से बच्चे ऑनलाइन भी एक टीचर के साथ सारे बच्चे कनेक्ट होके और उसी तरह से पढ़ पाते हैं. देयर हैज अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस जहां पे टीचर्स पीपीटीज एंड वीडियोस एंड दे हैव व्हाइट बोर्ड्स आल्सो टू वर्क. सो दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी व्हिच इज वेरी वेरी सिमिलर एंड इन सर्टेन मैनर
मोर मल्टीसेंसरी एंड मोर इंटरैक्टिव. तो ये हमने स्कूल में इंट्रोड्यूस किए. सो नाउ इन आवर स्कूल ऑल आवर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स दे अटेंड द रेगुलर क्लासेस जैसे बाकी सारे बच्चे करते हैं विद सर्टेन अकोमोडेशंस एंड मॉडिफिकेशंस दैट आर डिजाइंड बाय द स्पेशल एजुकेटर्स एंड विच आर कन्वेड टू द टीचर्स ऑल्सो. आपको इन बच्चों के लिए ये अकोमोडेशंस एंड मॉडिफिकेशंस देने हैं. सिमिलरली इन द ई लर्निंग्स प्रोग्राम ऑल्सो वी फॉलोड द सेम शेड्यूल जहाँ पे 9:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक हमारे 4 सेशन होते हैं और हमारे सारे बच्चे इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स अपने अपने क्लासरूम्स में अपने अपने सेशन रहते हैं. देन इन द आफ्टरनून वी हैव अ रिमीडियल प्रोग्राम फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हु टेक हेल्प फ्रॉम द रेनबो डिपार्टमेंट. सो नाउ एज पर नीड्स ऑफ द चाइल्ड वी हैव सेशंस ट्वाइस और थ्राइस अ वीक फॉर चिल्ड्रन हु आर हैविंग difficulties in certain areas. मैं जब यहाँ पे बात कर रही हूँ तो I am mostly talking about neurological difficulties, especially autism and ADHD. क्योंकि हम इन areas में ज़्यादा काम करते हैं. This is, I mean, Amarjyoti deals with a lot of locomotor disabilities also. I feel Amarjyoti is a tourist place where people should go and see how they work. It's really, I mean, every school should be mandatory. But yes, in our limited capacities, we also work on with the same philosophy, but we usually deal with and primarily deal with children with neurological. यहाँ पे inclusion थोड़ा सा I would not say difficult, but yes, क्योंकि बच्चे की needs दिखाई नहीं दे रही होती हैं. It becomes a little trickier. आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे सब लोगों को लाना विच इज द जॉब ऑफ अ स्पेशल एजुकेटर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. बट वी हैव बीन डूइंग इट फॉर ऑलमोस्ट 10 इयर्स नाउ एंड वी हैव बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल एट दैट. वी हैव लर्नड फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस सीन सक्सेसेस मेनी सक्सेसेस एंड यस देयर हैव बीन फेलियर्स फ्रॉम व्हिच वी हैव लर्नड आल्सो. सो नाउ कमिंग बैक टू COVID-19 ने जो हमारे नए तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो हमने नया सीखा. तो जब हमने आई विल टॉक अबाउट द रिमीडियल सेशंस नाउ. जब हमने रिमीडियल सेशंस लेने शुरू किए वी हैड ऑल द इक्विपमेंट गिवन. द गूगल क्लासरूम वाज देयर. द टीचर नीड्स ओनली अ लैपटॉप एंड द चाइल्ड नीड्स अ स्मार्टफोन और अ लैपटॉप जो हमारे तरह के सोशियो इकोनॉमिक में मोस्टली लोगों के पास थे. तो नाउ हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था बट स्टिल टू shift the child from a physical session to an online session not a very easy task. सबसे पहले तो as special educator हम लोगों को ये सीखना पड़ा कि we have to unlearn everything that we have learned. And unlearning is a more difficult process than learning. Especially अगर आप काम कर रहे हैं काफी सालों से suddenly अगर आपको बताया जाए कि नहीं आप एक नया डायमेंशन है तो आप इट्स वेरी नेचुरल दैट यू कैरी ऑन योर प्री कंसीव नोशंस इन दैट. वी हैड टू अनलर्न कि नहीं अब हम एक नए तरह के डायमेंशन में हैं एंड देयर इज अ न्यू रैपो व्हिच हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड विद द चाइल्ड. दिस कुड बी एन ई रैपो. हम इसको ई रैपो बोल सकते हैं. नाउ वी हैव टू गो एंड एस्टैब्लिश एन ई रैपो. पहले जब हमारा बच्चा हमारे पास फिजिकली हमारे रूम में आता था he was already in the school environment. Uska ek mental set school environment wala hota tha. But now hum uske ghar ja rahe hain and there is a very different kind of expectation of the child from us. shuru mein hamare bacche jo autism wale hain ya ADHD wale hain ya all cognitive delays wale hain they found it. Some children really loved it. Some children really found it frustrating कि मैम तो फोन पे दिख रही हैं और बोल रही हैं. So we have to design ways and mannerisms so that we could make our session something that the child is looking forward to. So यहाँ पे हमें parents की भी help लेनी पड़ी. हमें छोटे छोटे उनको task देने पड़े कि भाई आप अपने फ्रिज में bottles भर के रखिए या आप dusting करिए. हमने parents उनके pictures मांगी. Then we used to share it with the children that you know I know this. कोई और चीज उनकी हॉबीज या वो शुरू में हमारा पूरा कनेक्ट जो था वो इट वाज नॉट लर्निंग पढ़ाई वाला नहीं था. इट वाज ओनली एन इमोशनल सपोर्ट
it was only a person the child can reach out to. ये रैपो बनाना एक घर पे थोड़ा सा डिफिकल्ट था, but eventually with the help of parents, we have been able to do it with almost every child. एक और बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी बात हुई है वो ये है कि अब हमारे सेशंस में जो कई बहुत हाई नीड्स के बच्चे थे वो हमारा सेशन अकेले नहीं अटेंड कर सकते थे, सो वी हैड टू टेक हेल्प फ्रॉम मदर्स. नाउ व्हेन द मदर इज सिटिंग देयर इज अ लॉट ऑफ पेरेंट ट्रेनिंग दैट वी हैव बीन एबल टू, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पे हमारे पहले डिफरेंसेस आते थे, मैम ये तो आपके साथ करता है मेरे साथ कुछ नहीं करता, या मैम ये मेरे साथ कर रहा है आपके साथ कुछ नहीं कर रहा. इस तरह के जो डिफरेंसेस थे, वी एज स्पेशल एजुकेटर्स, एज पेरेंट्स एंड द चाइल्ड, वी वर ऑल एबल टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड इन अ न्यू डायमेंशन. हो सकता है घर पे क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एंजाइटी ऑफ द मदर व्हिच इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द चाइल्ड, एंड देयर वी हैड टू ट्रेन द मदर. एंड दिस अपॉर्चुनिटी व्हिच वी हैव गॉट ड्यूरिंग दिस टाइम, दिस इज गोइंग टू स्टे विद द चिल्ड्रन अ लाइफ टाइम. And I think we all have evolved into a, we have a new perception now. Parents have a new perception now. And there is a lot of things that we see now which we were not able to see earlier. Because hum bachche ko sirf ek school setup mein dekhte the. Another thing jo hamare specially school ke saath ek opportunity ki tarah aayi in bachcho ke liye is that hamare kai bachche जो एज अप्रोप्रिएट क्लासरूम में है, एक आध केसेस ऐसे हैं जो एज अप्रोप्रिएट क्लासरूम्स में है बट दे आर फॉलोइंग अ मॉडिफाइड करिकुलम और अ डिफरेंशिएटेड करिकुलम जो कि स्पेशल एजुकेटर्स प्रोवाइड करते हैं और हम टीचर्स को भी ट्रेन करते हैं कि अलॉन्ग साइड वो कैसे उस करिकुलम को फॉलो कराएं क्लास में. राइट नाउ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि हम उस बच्चे को जो ग्रेड थ्री में है और फॉलो K2 का करिकुलम कर रहा है, हम उसे एकेडमिक सेशंस के लिए K2 की क्लासेस दे सकते हैं. He can do the art and the sports and everything in his grade age appropriate grade 3 and he can do academic learning from K2 sessions. So this is a kind of flexibility जो हमें फिजिकल स्कूल में नहीं मिलती बट हमें एक ऑनलाइन स्कूल में मिल रही है. So these are certain areas. दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, अब जैसे मैम ने अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की थी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया जो हमने देखा वो ये कि हमने पूरे स्कूल सिस्टम में अपने असेसमेंट्स के इवैल्यूएशन के तरीके बदले, अपनी राइटिंग डिमांड थोड़ी सी कम की है. बिकॉज जो चीज़ें ऑनलाइन पॉसिबल हैं उसमें कंसेप्चुअल लर्निंग पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एंड रिटन एंड रिटन एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन के कम है. सो हमारे बहुत बच्चे ऐसे हैं विच आर एट एन एडवांटेज बिकॉज जो उनकी डिफिकल्टी थी लैंग्वेज एंड राइटिंग एंड एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट हैज बीन टेकन अवे. सो इन अ वे देर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर आर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एंड इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि पेरेंट्स अब उनके ऑनलाइन क्लासरूम्स में भी होते हैं. They understand what kind of demands that the children are facing. They understand what are the areas where they need to work upon. What are the strengths of the child? So, hum sab ek bahut common platform pe aa gaye hain. It is we are much more at at a really mutually consensuous and understanding wali cheez hum sab ke andar bahut develop. And this is going to take us a long way. So, I have a tendency to look at opportunities, whatever is happening. So, these are the opportunities that I see in our context, in an international school context. Well yes, said. I wish we could extend the services like this to all our children, but there is time till we are able to do that. Great, great. वेल सेड मैम. आपने जो तीन बातें कही हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही हैं. वो तो एक जो है अनलर्न करना, अनलर्निंग, दिस इज रियली वी रिक्वायर्ड लर्निंग तो चाहिए चाहिए. और डॉक्टर देसाई सर बताएंगे कि अनलर्निंग कितना इंपॉर्टेंट है टू कोप अप कोपिंग स्किल्स को जारी रखने के लिए.
जो आपने एक बहुत अच्छी बातें कही है ई रैपो की, जो ई ज्ञानशाला ऑनलाइन सब चीज सुना है, ई रैपो भी बहुत अच्छा है, ई काउंसलिंग एंड ई रैपो इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द थर्ड इज द फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस वी कैन से एट ऑल टर्म्स, कि हम पेरेंट्स के टर्म्स पे भी फ्लेक्सिबल हैं, हम बच्चे के भी टर्म्स पे फ्लेक्सिबल हैं. सो दिस इज वेरी गुड. And now we'll go to Archana Sinha, ma'am. We welcome you once more, once again. And she is coordinating the education system from the policy level to the grassroots level. So, जो policy में जो बात होती है सरकार के level में, उसको grassroots level तक ले जाना इनका एक बहुत अच्छा job profile है. During this COVID-19 situation, we know when the anxiety, stress, and other mental health problems are really among all the students, including the parents, teachers and non-teachers, or फिर non-teaching staff, तो सभी को coordinate करना, ये तो काफी मतलब एक tough काम है. आप जो है नीति से लेके जमीनी स्तर तक काम कर रहे हैं, शिक्षा प्रणाली को समन्वय कर रहे हैं इस कोविड स्थिति के दौरान में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कैसे ये सब मैनेज करती हैं, आपने क्या महसूस किया है कि जो हम अगर दूर गांव देहात के बारे में बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे को भी, वहां भी बच्चे को हमें इंक्लूजन करना है, वहां भी पेरेंट्स को साथ रखना है, फिर टीचर्स को भी भेजना है. सो ये सारी चीजें आपने कैसे मैनेज किया ड्यूरिंग दिस कोविड-19 सिचुएशन, अर्चना मैम? या आप अनम्यूट करिए. या नहीं, नहीं हुआ. या यस मैम. नमस्कार. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू. थैंक यू मैम, थैंक यू. आप लोगों का बहुत, मैं फर्स्ट टाइम ये मशवरा में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो काफी आपको परेशान भी किया फोन से. नहीं नहीं कोई नहीं. कोविड-19 अभी बहुत अच्छा बोला सीमा मैम ने और अक्सी नकवी जी ने, बहुत अच्छा. मैं बस इस एज ए बीन डीसी में काम कर रही हूँ यूपी के रूरल एरियाज में, तो यहाँ पे जो हमारा CWSN भी है और जो भी बच्चे हैं सामान्य वाले, हम इनको काफी शुरू के लॉकडाउन के दौरान तो हमें काफी कुछ फेस करना पड़ा. पेरेंट्स अगेंस्ट भी गए, टीचर्स अगेंस्ट गए, लेकिन हम लोगों ने फिर इसको हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर ब्लॉक लेवल, फिर क्लस्टर लेवल, फिर हम जाके इसको लेके अपने उसमें लाए हम लोग सब लोग. हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी मिलके और हमारे महानिदेशक SPD सर ने के द्वारा जो भी प्राप्त निर्देश हुए उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने काम जो किया यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो हमें फील हुआ कि जो मैं तो सोचने में लग गई कि जो पुराने टीचर्स थे, जो ओल्ड एज टीचर्स, कभी उन्होंने मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल तक नहीं किया था, वो लोग. मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, आ रही आ रही आ रही. जी 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 जी. तो जो ओल्ड एज के टीचर्स थे, मतलब मैं टीचर्स के कोई मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो एंड्रॉइड मोबाइल चलाना ही नहीं जानते थे और उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि आपको ई पाठशाला, आपको सारी चीजें एंड व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और आप बच्चों को पढ़ाइए. रूरल एरियाज में पेरेंट्स के पास जो है मोबाइल बहुत रेयर होते हैं, लेकिन फिर भी इस जब इस न्यू टेक्नोलॉजी में हम इन किए तब हमें समझ में आया कि नहीं, बहुत अच्छा है जो गवर्नमेंट के द्वारा हम छोटे छोटे गांव शहर में ऑनलाइन स्टडी कराने के लिए जो है हम इन वहां पे भेज रहे हैं टीचर्स को, भेज मतलब ऑनलाइन ही हम प्रोसेस में ला रहे हैं. इसके लिए हमने ब्लॉक लेवल पे एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया. ट्रेनिंग के माध्यम से जो उनके जहां जहां के जिस जिस एरिया के प्रिंसिपल थे उनको हम लोगों ने उस ट्रेनिंग में जूम ऐप और मीट ऐप, ये सब न्यू टेक्नोलॉजी कोविड-19 में ये सब चीजें, इवन मैं भी, हम और आप बात कर ले रहे हैं आज जूम ऐप पे, इसके पहले कभी हम लोगों ने न्यू टेक्नोलॉजी में इस फोन पे ही बात करते थे, लेकिन कभी इस एरियाज में बात नहीं कर पाते थे हम लोग, इतने लोगों को जोड़कर बात नहीं कर पाते थे हम लोग. तो हम लोग आज जो है इस पे बात कर रहे हैं, हम और आप जुड़े हैं और हम लोग बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं एक छोटे छोटे ग्रुप बना के. जैसे मेरे स्पेशल एजुकेटर भी हैं, उनको भी मैंने बोला हुआ है, वो 6 से 8 स्कूलों को लेके उनमें, क्योंकि यहाँ पे वो लिमिटेड एरिया होता है ना, कहीं किसी क्लस्टर में 2 बच्चे हैं, कहीं किसी क्लस्टर में 5 बच्चे हैं,
तो उन सबको जोड़ना, पेरेंट्स या उनके सिबलिंग्स को समझाना फोन के द्वारा, और फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाना। तो एक पेरेंट्स, एक टीचर 15-20 बच्चों का, पेरेंट्स का ग्रुप लेके बना के उसमें नए नए टीचिंग लर्निंग मटेरियल भेजना, क्रिएटिव जो भी वो बैठ के बना रहे हैं वो सारी चीजें करना। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ गया, और जो टीचर्स थे हमारे ओल्ड एज के, न्यू एज वाले तो इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं, लेकिन पुराने वाले भी जो हैं वो बहुत खुशी से इसके तरफ बढ़े, और अब वो इसमें नए नए इनोवेशन करके, जो भी गवर्नमेंट से ई पाठशाला आया है उसमें टाइमिंग दिया हुआ है, दूरदर्शन के सारे और सारी चीजें फोकस एजुकेशन पे जो दिया है उस पे लेके वो पढ़ा रहे हैं। ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। ग्रेट ग्रेट। वी हैव सीन कि हम लोग गांव में भी पहुंच रहे हैं इस COVID-19 के दौरान। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हम लोगों ने देखा कि एक इंक्लूसिव एजुकेशन का जो एक फाउंडिंग प्रोस्पेक्टिव था, जो अमर ज्योति के साथ हम लोगों ने बातचीत, अमर सीमातुली मैम के साथ हम लोगों ने बातचीत की, अच्छा बताया। एंड देन वी हैव सीन द अनदर प्रोस्पेक्टिव की, जो अगर हम इंटरनेशनल स्कूल के बारे में बात करें तो वहां पर क्या होता है, कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। एंड अर्चना जी के माध्यम से ये भी आज हम लोगों ने जाना कि गांव में भी अगर सुदूर कोई ग्रामीण इलाके में कोई बच्चे हैं तो वहां भी हम जा सकते हैं। सो आई विल टेल आवर ऑडियंस कि जो मनोविकास है, इट इज वर्चुअली ओपन थ्रू मनोविकास ई ज्ञानशाला एंड अदर काउंसलिंग प्रोसेस, काउंसलिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक मनभावन एंड स्पेशली मशवरा इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंटरक्टिव प्लेटफॉर्म। आप यहाँ भी हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड वी हैव द टेलीफोन नंबर्स, मोबाइल नंबर्स, यू कैन कॉल अस एंड इवन आर टू, यू कैन इंक्लूड योर सेल्फ इन आवर वेबसाइट, यू कैन कम टू आवर वेबसाइट, वी विल फाइंड सो मेनी इंफॉर्मेशन। एंड नाउ आई एम ओपनिंग फॉर 5 minutes टू द ऑडियंस, इफ एनी ऑडियंस हैज एनी क्वेरी एंड क्वेश्चन प्लीज कम अप एंड स्पीक आउट। एंड मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक साथ नहीं बोले, हम एक एक करके बोले तो हम अच्छे से सबकी बात ले सकते हैं। सो आई एम जस्ट ओपनिंग टू द ऑडियंस। या आलोक जी, जी जी सर, जी सर, मेरा एक मशवरा था जो ऑडियंस है वो ऑडियंस अपने चैट बॉक्स में गुड आफ्टरनून, हेलो, हाय करते हैं। तो मेरा मशवरा ये था कि जो वेबिनार चल रही है, जो हमारा टॉपिक है, उससे संबंधित सुझाव और प्रश्न कर दें तो वो बहुत बहुत बेहतर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड जी जी। ये राजा पटेल मोहम्मद जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ओके, कोई बोलना चाहता है? बाकी तो मैं अंत में बोलूंगा जी जी। सीमा गुप्ता, सीमा गुप्ता जी, यू हैव रेज्ड योर हैंड, यू वांट टू से समथिंग। गैलेक्सी J7 Pro, रेडमी, आप अगर अपना नाम लिख के आए। सोनू भोला जी, यू वांट टू से समथिंग? यस प्लीज, विद आवर परमिशन ऑफ योर। Yes, sir. Yes, sir. Please, sir. There is small thing which I want to know about intellectual disability. जी जी बोलिए। आपकी आवाज साफ नहीं हो रही है। जी बोलिए सोनू जी, क्या बोलना, क्या बोला आपने? You want to know? सोनू बोला जी, क्या बोला? Are you getting my point? Yes, please tell me again, once again, please. My point is ki children with disability, especially ID, are always facing challenges in schools while sitting in the class. I want to get the idea how the special educators are facing the challenges teaching online. Okay. तो अभी हम लोगों ने कुछ बातें तो की है इसके बारे में। मैं अक्सी मैम से जानना चाहूंगा कि जो आपके स्कूल में जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे आ रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस दे आर फेसिंग ड्यूरिंग दिस COVID-19 इन द क्लासरूम। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ बच्चों के लिए इतना आसान नहीं था जो उनको एक क्लासरूम में, क्योंकि यहाँ पे डिमांड्स बिल्कुल अलग थी। यहाँ पे आपको अटेंशन देना है, फोकस देना है,
बहुत अच्छा लग रहा है, खाना खाया चाड़ा, अच्छे खाना खा लेते, मेरा छोटा वो बड़ा हो गया। आप पुष्पा जी थोड़ा, हाँ जी मैम फिर से बोलिए प्लीज, मैंने बंद किया। जो क्लासरूम्स का कंटेंट है वो इसी तरह से डिजाइंड है ताकि आप बच्चों का अटेंशन ले सके, बच्चों को इंटरैक्टिव रखें और ताकि आप वन ऑन वन बच्चों को पार्टिसिपेट करा सके। देयर आर न्यू लेसन प्लान्स दैट हैव बीन डिजाइंड। अब जो हमारा बच्चा विद आईडी है, अगर हम इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करें तो हम पहले से ही, जैसे हम फिजिकल स्कूल में टीचर्स को पहले से प्रिपेयर कर देते थे कि भाई इस बच्चे के साथ ये करिकुलम फॉलो कर रहा है, दीज आर द मॉडिफिकेशन दैट वी आर डूइंग। एंड हम लोग भी एज स्पेशल एजुकेटर्स, इवन इफ वी आर मॉडिफाइंग द कंटेंट, वी ट्राई टू कीप द सेम टॉपिक्स। जैसे अगर आप साइंस में कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो हम अगर उसका मॉडिफिकेशन करके, उसका डिफ्रेंशिएट करके भी पढ़ाएंगे तो वी ट्राई टू कीप द टॉपिक सेम। हम वही चीज पढ़ाना चाहते हैं जो क्लासरूम में पढ़ाई जा रही है। सो नाउ टीचर ऑल्सो हैज अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ द चाइल्ड्स नीड्स एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल्स। सो टीचर जब उसको पूछेगी, जब उसको इंक्लूड करेगी, आई एम टॉकिंग अबाउट द ई लर्निंग क्लासरूम, तो टीचर उसको उसी बच्चे के लेवल का क्वेश्चन या उसी बच्चे के लेवल का जो द टीचर नोज कि जहाँ पे सक्सेस रेट आ जाएगा वही चीज पूछती है। देन इन द रिमेडियल क्लासेस वी supplement whatever work that has been done, and यहाँ पे learning इतनी बड़ा issue नहीं होता, ज़्यादा बड़ा issue होता है बच्चे का attention and focus रखना 40 minutes के classroom में, जिसको develop करने के लिए काफी time लगा। and अभी भी हमारा focus इतना ज़्यादा academics पे नहीं है, हमारा focus ज़्यादा ये है कि बच्चा इस पूरी situation को मेरिली हैंडल करे, ही इज अ हैप्पी, ही कीप्स अ हैप्पी चाइल्ड, जो उसके स्ट्रेसर्स हैं घर के वो कम से कम हों, एंड इफ देर इज रेडीनेस एंड हैप्पीनेस अराउंड द चाइल्ड देन ओनली द चाइल्ड इज एबल टू। अभी अगर 40 मिनट का सेशन होता है तो भी हमारे 20 मिनट अगर पढ़ाई को डेडिकेटेड होते हैं तो 20 मिनट हमारे सिर्फ उस बच्चे के डे का फीडबैक, उसको क्या अच्छा लगा, उसे क्या बुरा लगा, वॉट इज ही लुकिंग फॉरवर्ड टू, उसने कोई नई रेसिपीज सीखी हैं, कुछ है, इस तरह की चीजों में एंगेज करते हैं। एंड स्पेशली फॉर आवर चिल्ड्रन विद कॉग्निटिव डिलेज राइट नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव देम एन एंकर। पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ही, बट यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि अपनी फैमिली के अलावा उनको एक एंकरेज मिले, जहाँ जो उनको पहले स्कूल में मिल रहा था या जो उनको पहले अपने नेबरहुड में मिल रहा था वो अब उन्हें नहीं मिल रहा है। And we have to somehow fill that gap for them. That हम बाकी के सारे behaviors and anxieties and बाकी के सारे जो उनके ऊपर pressures हैं, उनसे cope करना सिखा सकें उनको in a better manner. Great. So great, great. Yeah. So. I would like to just add one thing, Alok. Sorry. Yeah, please, ma'am. चर्चा पहले अक्षती ने भी करी थी, specially children with special needs. वो काफी कुछ डिपेंड करते हैं अपने इमोशनल, साइकोलॉजिकल और अदर नीड्स पे, अपने पेरेंट्स, अपने सिब्लिंग्स और अपने मेजर स्टेक होल्डर्स में। सो व्हेन वी आर डिजाइनिंग दीज प्लान्स ऑनलाइन आल्सो, द फर्स्ट स्टेप दैट वी आल्सो डिड वाज टू आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर, विच कुड बी द मदर, सिस्टर, ब्रदर, दादा, दादी, एंड ट्रेन द पेरेंट फर्स्ट टू वॉट अक्सी सेड वेरी राइटली, हैव अ हैप्पी चाइल्ड राइट नाउ एट होम। बिकॉज इस पूरे कोविड सिचुएशन में हमारे विद डिसेबिलिटी बच्चे के काफी सारे इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज भी सामने आए हैं। सो कीपिंग दैट इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द पेरेंट्स एंड द स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड व्हाइल प्लानिंग एनीथिंग फॉर द चाइल्ड। सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। सो Yeah, I'll come to you again. We have some questions. I'm just taking the questions from chat box. हमारे पास है कि हमें इस सेक्टर में काम करना है स्पेशल नीड वाले लोगों के लिए, तो कैसे स्टार्ट करें? So you can tell our audience what is required to work in this field. Yeah. देखिए मैं हमेशा कहती हूँ वी आर रनिंग अ लॉट ऑफ कोर्सेज इन डीएड, बीएड, स्पेशल एजुकेशन में, ये सब है। और जब बच्चे मेरे पास आते हैं तो मैं सबसे पहली चीज पूछती हूँ कि आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। अगर आपके अंदर पैशन है,
अगर आपके अंदर जज्बा है, सबसे पहले तो इस फील्ड में अगर कुछ रिक्वायर्ड है तो इट इज पैशन फॉर दिस फील्ड. तो सबसे पहले तो आप क्लैरिटी लेकर आइए कि अगर आपको करना है, हैव दैट पैशन एंड विल पावर इन यू. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप इज टू एम्पावर योर सेल्फ टू डील विथ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स. और वो एम्पावरमेंट आता है कोर्सेज, बहुत सारे इग्नू के कोर्सेज हैं. इग्नू में स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड डीएड आरसीआई काफी सारे कोर्सेज रन कर रहा है इन स्पेशल एजुकेशन, और बीएड इन स्पेशल एजुकेशन है. तो आप अपने आप को एम्पावर करिए. एंड ये एम्पावरमेंट सिर्फ पढ़ाई से नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर से भी आता है. वी वेलकम अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स एट अमर ज्योति जो चाहते हैं इस फील्ड में काम करना, कि आप आइए हमारे साथ वॉलंटियर करिए और समझिए कि क्या चाहिए, क्या रिक्वायर्ड है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट होलिस्टिक अप्रोच, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. So that is what I would suggest to you, sir. Yeah, Shweta ji, you have some question. I have unmuted your mic. You can ask your question. Yeah, please. Good evening, sir. Good evening. Good evening. बहुत अच्छा session था. Thank you, ma'am. मैं sir आपसे जानना चाह रही हूँ कि मैं मशवरा join करना चाह रही हूँ. मैं अपने बेटे के लिए 15 साल का Down's baby है. थोड़ा स्पीच थेरेपी एक्चुअली मैं रांची में रहती हूँ तो उतना है नहीं फैसिलिटी. तो मैं कराना चाह रही हूँ आपके थ्रू. थोड़ा स्पीच हो जाता है इसका एजुकेशन से रिलेटेड, कि आप लोग जैसे ओपन एजुकेशन करा रहे हैं ना एग्जाम में, जानकारी नहीं मिल पा रही है सर. तो मैं, मेरे से अच्छा जानकारी तो आपको इंदिरा मैडम देंगी. तो आई रिक्वेस्ट इंदिरा मैडम, यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव द आंसर. ओके ओके या ओके थैंक यू सर. थैंक यू मैम. या नमस्कार मैम. जैसे शायद आपका मैसेज भी हमारे नंबर पे आया था. जी जी जी. हमने आपको कॉल बैक करने की भी कोशिश की थी तो आपका फोन नॉट रिचेबल था. ओके हां, इसीलिए जो नंबर आपको दिया गया है उस नंबर पे आप ऑफिस टाइम में कभी भी बात कर लें. तो हमारे स्पीच थेरेपिस्ट ने भी बात किया था बट आपका नंबर नहीं लग रहा था, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है. जी जी मैम, वही नंबर काफी बिजी आता है ना, काफी लोग लगता है कॉल करते होंगे, इसलिए मैंने सर ने कहा था ना कि ईमेल पे शायद मैसेज. सही है, इसीलिए हम हां तो आप 10 to 5 के बीच में कॉल कर लें, आपको सभी जानकारी दी जाएगी. और मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा जो मनोविकास ने कोविड 19 में किया है. जैसे अक्षी नकवी मैम ने कहा कि आपने गूगल का प्लेटफॉर्म यूज किया. वी हैव मेड द आर ओन प्लेटफॉर्म. मनोविकास ने अपना थोड़ा सा हमें रिसर्च करना पड़ा, थोड़ा सा हमें टेंशन लेना मोल पड़ा और बहुत सारे लोगों का कोऑपरेशन हुआ. सो मनोविकास ई ज्ञानशाला इज वेरी मच एक्सेसिबल फॉर ऑल आर स्टूडेंट. जो हम पढ़ाते हैं वहां पर, एक तो सारा मटेरियल वहां पर होता है, स्टूडेंट कभी भी उसको ओपन कर सकते हैं, कभी भी जो पढ़ाया हुआ रिकॉर्डिंग सेशन से वहां पर रहते हैं वो कभी भी एक्सेस कर सकते हैं. एंड दे हैव द लॉट ऑफ ऑप्शंस टू इंटरेक्ट विद द टीचर्स. दे कैन गो फॉर द चैट, दे कैन गो फॉर द वीडियो कॉलिंग्स एंड ऑल दिस थिंग्स. तो अगर किसी को भी, किसी भी बच्चे को ई ज्ञानशाला में अगर लेना है, पार्टिसिपेट करना है, तो उसमें जो हमारे कोर्सेज होते हैं ओपन बेसिक एजुकेशन के, फर्स्ट टू एट तक के जो कोर्सेज होते हैं, जो टेंथ के कोर्सेज होते हैं, उसी तरह के क्लासेस होते हैं. तो आपको उस पर्टिकुलर उस क्लास में इनरोल कराना होता है, देन यू हैव टू गो फॉरवर्ड. एंड वेयर इज अबाउट द स्पीच थेरेपी एंड अदर थेरेपी एंड काउंसलिंग्स, वी हैव द टेली काउंसलिंग प्रोसेस, इवन काउंसलिंग ऑन द जूम एंड ऑल. जो थेरेपीज है वो जूम पे भी अभी अवेलेबल है, आप हमारे थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं, नो इशू फॉर दैट. इवन आप हमें मेल कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, हम आपसे जरूर कंसल्ट करेंगे. सो नाउ वी विल गो टू डॉक्टर देसाई सर, इफ ही इज हियर. यस ही इज हियर बट ओके कैमरा इज ऑफ. ओके देसाई सर, या Yes. Yes, sir. Okay. Half of the session we have completed. Then ये बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है. सबसे पहले तो मैं तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा. बहुत अच्छे मुद्दे बताए तीनों ने. अर्चना जी, आप परेशान हो रही थी, एंशियस थी, लेकिन यू वर ग्रेट. आई थिंक अक्षी ने जो बात बताई एक बहुत सोचने लायक है, ई रेपो. जी जी भाई, किसी भी हेल्पिंग प्रोफेशन में, स्पेशल एडुकेशन, साइकोलॉजी, काउंसलिंग, रेपो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. और जहां लॉन्ग टर्म फॉलोअप है, रेपो बन गई वो फिर भी आसान होता है. बट इन पर्सन के बनिस्बत, कंपैरिजन में,
अगर शुरू से या इवन शुरू के इन पर्सन कॉन्टेक्ट के बाद मोस्टली सिर्फ वर्चुअल इंटरेक्शन हो रहा है, तो मुझे लगा कि एक चीज तो आलोक हमें एक टॉपिक मिल गया किसी आगे के मशवरा का, जी जी, ई रेपो इन स्पेशल एडुकेशन एटलीस्ट इफ नॉट फॉर ऑल ओवर. अक्षय रियली दैट वाज वेरी वेल ब्रॉट आउट. एंड मैं जब सोचता हूँ साइकियाट्रिक के, साइकोलॉजी के, मेंटल हेल्थ के, काउंसिलिंग के, स्पेशल एडुकेशन के, रिहैब के संदर्भ में, खासकर जो अभी हम गुजर रहे हैं 5 महीने से, तो ई रेपो पे ध्यान कम दिया जाता है, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल एट्रीब्यूट्स एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग ई रेपो. बट मुझे अक्सर विचार ये भी आया कि अनलॉक पीरियड में वर्चुअल वर्ल्ड माइट बी ए बेटर प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग रेपो, ऑल्दो वी हैव टू लर्न ई रेपो एज कंपेयर टू इन पर्सन. बिकॉज रूबरू में क्या होता है, जैसे हम अस्पतालों में देख रहे हैं, चश्मा लगा हुआ है, मास्क लगा हुआ है, शायद फेस शील्ड लगा हुआ है, तो एटलीस्ट इस अनलॉक पीरियड में और आने वाले 6 महीने, 1 साल 2 साल तक वर्चुअल कॉन्टेक्ट माइट बी अ बिट इजियर. एक्सेप्ट दैट यस, मेनी पीपल नीड टू लर्न द स्किल्स ऑफ ई रेपो बिल्डिंग. एंड ऑफकोर्स सीमा वॉज एक्सलेंट एज यूजल. Everything that she said was almost worth its weight in gold. Seema, Umaji, और आपके सारे टीम को और आपको जितनी तारीफ की जाए कम है. Everything was wonderful. Everything that you said deserves a detailed discussion. सारी बातें जो आपने कही. Always great to listen to you. Thank you. And we'll go to the in the end of the part of the session. We'll go to Seemaji again. So, ma'am, in your takeaway message, so we have seen so many inventions in Amarjyoti. So, what reinventions or models you are suggesting for the inclusive education as a holistic approach in coming days? कौन सा जो आप एक समग्र दृष्टिकोण रूप से अगर देखें कि समावेशी शिक्षा में क्या आप पुनर्आविष्कार के बारे में या कौन सा मॉडल का सुझाव देना चाहेंगी मैम? क्या लोग जी, जैसे कि अभी डॉक्टर देसाई ने भी बहुत सुंदर तरीके से कहा कि जो ये वर्चुअल रियलिटी है, इट इज हियर टू स्टे विद अस. सो व्हाट वी रिक्वायर राइट नाउ इज, हम हमेशा कहते हैं, अमर ज्योति में कहते थे, हाउ टू मेक इंक्लूजन अ रियलिटी. सो आज के टाइम पे अब हम ये कहते हैं हाउ टू मेक डिजिटल इंक्लूजन अ रियलिटी, कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी को साथ लेके हम आगे बढ़ सकें. और जो होलिस्टिक अप्रोच हम 40 साल से अपना रहे हैं, उसी होलिस्टिक अप्रोच के बारे में मैं फिर से रीइंफोर्स करूंगी कि इवन व्हेन वी टॉक अबाउट डिजिटल इंक्लूजन, वी हैव टू टेक ऑल द एस्पेक्ट्स टुगेदर, जिसमें कि मेडिकल फैसिलिटीज, टेकिंग केयर ऑफ द इमोशनल साइकोलॉजिकल नीड्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट एकेडमिक्स, taking care about the vocational training of the students, everything together. So holistic digital inclusion is what we really look forward to now. And jo e-rapo ka team bahut hi badhiya hai, and that will be the step towards it. Yeah, great. So this platform pe main zarur ye fir se emphasize karungi ki what is required to make this accessible learning, e-learning material for children. इसके लिए हम सब आज मिलके one format that we followed everyone, wherein digital के तरीके से हमको accessibility लानी है, चाहे वो plans हैं, इसमें सिर्फ वो नहीं, वो kind captioning, reverse captioning, जरूरी है, होलिस्टिक अप्रोच हमें जरूरी है. और हम लोग जरूर इस वर्चुअल रियलिटी में, वर्चुअल ऑनलाइन सेशंस में, ऑनलाइन की दुनिया में जरूर हम लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन डू इट. वी हैव हैड सम गुड एक्सपीरियंस इन आवर मनोविकास, जो हमारा स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, दैट ऑल्सो वेंट ऑन द वर्चुअल थिंग्स. और उसमें हमने देखा है अभी, कुडोस टू आवर टीचर्स, हम अपने जितने भी टीचर्स हैं सबको बहुत ही कहना चाहूंगा कि दे हैव डन द लॉट ऑफ थिंग्स, कि उन्होंने पूरा प्रैक्टिकल क्लास भी ई लर्निंग के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू करवाया है. सो दैट इज वेरी गुड. एंड आवर
the partner, the our the project partner HSBC, उन्होंने वो भी बहुत ही closely उनको observe किया. They have very much appreciated कि कैसे आपने ये training दिया है. And उनके जितने और भी partners थे, they had came into us and they have learned कि हमने आपने क्या क्या उसमें किया है. तो हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा है कि हमारे जो स्पेशल नीड वाले सेक्टर्स हैं, इससे भी लोग जो मेन स्ट्रीम वाले लोग हैं वो भी सीख रहे हैं. तो आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ अच्छा म्यूचुअल एक्सचेंज होगा जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकेंगे. वी विल गो टू द अक्सी नकवी मैम. व्हाट ऑप्शंस आर रिक्वायर्ड टू एंगेज द पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स डिजाइन इन द ई रियलिटी, न्यू रियलिटी? आपने कहा कि एक ई रैपो तो है ही, और भी जो आपने सीखा होगा या आपने कुछ ट्रिक्स देखे होंगे, कुछ नए चीज देखे होंगे कि कुछ पेरेंट्स अच्छा कर रहे हैं कि ई लर्निंग अच्छा है, कुछ बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट कुछ अभी भी ऐसे पेरेंट्स हैं या जो बच्चे हैं वो नहीं आ पा रहे हैं. सो व्हाट यू सजेस्ट कि कौन कौन से और विकल्प हो सकते हैं? ये जी सर, सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी सीमा मैम और डॉक्टर देसाई का. आप लोगों का इस तरह से हौसला बढ़ाने से हम लोगों का हिम्मत और बहुत बढ़ जाती है. थैंक यू सो मच मैम, सीमा मैम एंड डॉक्टर देसाई बोथ ऑफ यू. तो लाइक वी हैव डिस्कस्ड कि जैसे सीमा मैम ने भी कहा कि दिस इज अ सिचुएशन विच इज गोइंग टू स्टे विद अस. अभी हमको बहुत जल्दी इस सबसे निजात नहीं मिलने वाली है. तो इनिशियली हमारे कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने चीजें रोक दी थी बच्चों के साथ कि ठीक है, लेट वंस फिजिकल स्कूल रिज्यूम्स, अभी हम जब वापस आ जाएगा सब कुछ तो वी विल स्टार्ट. बट नाउ नाउ दिस थिंग, दिस होल ई लर्निंग और ई रैपो एंड एवरीथिंग इज अ रियलिटी. अभी हमको इसकी अपॉर्चुनिटीज देखनी है. अभी हमको देखना है कि इसमें हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, बजाय इस बात का इंतजार करने के कि ये सब ओवर हो तो हम कुछ करना शुरू करें. तो बेहतर ये है कि हम इसमें अपॉर्चुनिटीज देख के इसी रास्ते पे आगे बढ़ने की कोशिश करें, इसी रास्ते पे अपने सॉल्यूशंस ढूंढें. जैसे कि आपने कहा कि हमने क्या टेक्निक्स इस्तेमाल की. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम किसी बच्चे के साथ काम कर रहे हैं हम कोई भी जनरलाइज्ड टेक्निक नहीं इस्तेमाल करें, एंड उस बच्चे के इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल लर्निंग पैटर्न के बेस्ड पे अपनी कोई भी चीज, अपनी कोई भी टेक्निक या स्ट्रैटेजी उस पर बनाए. दिस टेक्स अ लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर ऑन. हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हम जिनके लिए वर्कशीट पे काम करना, जैसे बहुत फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, वर्कशीट जब तक नहीं होगी और रिटन नोट जिस तरह से हम लोग क्लासरूम में काम किया करते थे, जब तक वो कॉपी में नहीं होगा तब तक वो बच्चा उस पर काम नहीं कर पाया, नो मैटर हाउ मेनी वीडियोस एंड हाउ मेनी इंटरैक्टिव इंटरैक्शन. तो हमने उस लर्निंग मटेरियल को पहले से पेरेंट को सप्लाई करना शुरू किया कि आज तक मेरा वर्कशीट प्रिंट आउट और मेक इट ऑन द पेपर. वी गाइडेड द पेरेंट ऑल्सो कि भाई हम ऐसे ऐसे आपको ऐसे ऐसे करना. एंड वाइल टीचिंग कई बार ऐसा होता था कि हम वी हैव आवर ओन स्ट्रेटजीज जहाँ पे हम कुछ चीजें हाईलाइट कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं. तो देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ द पेरेंट इन्वॉल्वड. बहुत हद तक मदर्स को ट्रेन किया उस तरह से काम करने के, इस तरह से बच्चे के लिए मोस्ट बेनिफिशियल. सो ऑल पेरेंट्स, आई एम ऑल्सो अ पेरेंट ऑफ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, एंड मुझे भी पहले ये लगा कि दिस इज समथिंग ट्रांजिएंट व्हिच विल गो अवे. नाउ ऑल ऑफ अस हैव टू गेट इक्विप्ड टू दिस काइंड ऑफ लर्निंग. हमें ट्रिक्स ढूंढनी है, हैक ढूंढने हैं कि किस तरह से अपने बच्चे के साथ इस मीडियम के मैक्सिमम पोटेंशियल डिराइव कर. एंड देयर हैव बीन कई बच्चे हमारे लाइक दोज हु आर वेरी वर्बली इंटरैक्टिव, दे एंजॉयड अ लॉट थ्रू रोल प्लेस. कई बार हमने एक बच्चे से पूछा कि आपने क्लासरूम में क्या पढ़ा आज, एंड आई एम योर स्टूडेंट एंड टीच मी. सो दीज आर न्यू टेक्निक्स विच जो हम रेगुलर सेशंस में इतना इस्तेमाल नहीं करते थे, टू बी ऑनेस्ट. अब हम बहुत ज्यादा इनोवेटिव हो गए. अब वी आर ट्राइंग टू रीच आउट टू चिल्ड्रन इन न्यूअर वेज, एंड इट इज रियली वेरी अफेक्टिव ऑल्सो. बस वही है कि हमको अपनी प्रैक्टिस अनलर्न करनी है, एंड वी हैव टू एंटर अ न्यू डोमेन ऑफ लर्निंग. हमको ये समझना है कि ये पूरा नया डायमेंशन है. बच्चे भी इंजॉय करेंगे, आप पढ़ाना भी इंजॉय करेंगे, and
the most empowered person who would turn out to be would be the mother of the child. And we believe that if we are empowering a parent, we are making a hell lot of a difference to the child. Early years mein hamara sara kaam mostly mothers ke saath aur fathers ke saath hota hai. Fathers utna zyada involved. There are fathers who get actively involved also, but mostly if there is a mother who takes the initiative of taking the child forward, and she can really bring a lot of difference. So yahan pe wo wale mothers jo hamare saath utne involved nahi bhi the, now they are becoming a lot of involved. There we can see a lot of involvement. Humne bahut si apne mothers ko, jaise abhi aapne kisi inhone question pucha tha ki courses kya hai, we are very proud that humne apne bahut si mothers ko courses mein bhi enroll karaya hai, Amar Jyoti mein bhi aur institutes mein bhi, so that mothers get empowered. Hum log, we have a limited role. But the mother, अगर हम मदर के चेंज में बिहेवियर में उसके डिस्पोजिशन में एक चेंज ले आएंगे, दैट इज व्हाट विल मेक द डिफरेंस टू द चाइल्ड. सो दीज आर थिंग्स विच आर नाउ वेरी इजीली एक्सेसिबल. अभी वेबिनार्स हैं या वर्कशॉप्स हैं, हम अपने पेरेंट्स को भी लिंक्स फॉरवर्ड करते हैं एंड वी इनकरेज देम टू ज्वाइन, वी इनकरेज देम टू लर्न, टू इवॉल्व इनटू अ रिसोर्स पर्सन rather than just a parent. This is a professional responsibility given to you. So all this which was earlier jo pehle unko lagta tha ki bahar jaake karna kuch karna wo bahut difficult hai, ab to sab kuch bahut easily accessible ho gaya hai. And this period we should really take it as an opportunity. There are limitations also, I agree, jo physical jahan pe therapies ki zarurat hai, occupational therapy ki, wo sare limitations hain, but we cannot complain about that. We cannot keep counting ki are ab ye nahi ho pa raha, ab ye nahi ho pa raha, ab ye nahi ho pa raha. We have to see kya ho pa raha hai and we have to move forward. Great. Akshay ji, ji sir. अक्षी झिझक कर रही थी मदर्स और फादर्स पे कमेंट कर रहे, लेकिन बिल्कुल ना करें. जो आप कह रहे हो वो एक सनातन सत्य है. एक्सेप्शंस हैं दोनों जेंडर्स में, लेकिन कुछ जेंडर रियलिटी सनातन सत्य है. नहीं सर, कहीं तो बिल्कुल झिझक ना करें. कहीं कहीं मजबूरियां भी होती हैं कि फादर्स उतना टाइम नहीं दे पाते, इवन इफ दे वांट कहीं कहीं, but there is one primary caregiver and that is the mother. So yeah. I am blaming the fathers here, but it's important that one parent takes up the role of a professional in the house. Since I'm there, Alok, can I ask all the three panelists and you? Yeah, yes, sir, please. मेरा एक सवाल, अगर आप लोग परमिट करें आप चारों से, ये है कि जैसे जैसे I think somebody has written in the chat book, I think Vandita wrote very early on. आज के सेशन में या somebody else also wrote, inclusive education actually requires, हमने पहले भी बात किया मशवरा में बहुत पहले, inclusive education actually requires the attitudinal change amongst the non-disabled people, खासकर जो क्लासमेट्स हैं, टीचर्स themselves, चलो वो hopefully हो रहा है, अच्छे से होगा, but inclusive education requires attitudinal change in the larger society that should be then seen in those so called normal children, and inclusive living will require that attitudinal change. So inclusive education ki baat hame shayad larger education field se zyada karni chahiye, jaise Alok aap aur hum baat karte rahe hain, aur ye sare aaj ke teen panelists aap aur bahut sare sathi jo special education mein lage hue hain, mujhe lagta hai like Seema ji saying, we need to really come together to form a platform, not to attack but to address the mainstream field of education about attitudinal change required for inclusive education. Nahi to hum apne mein hi baat karte rahenge most. Baat to sahi hai sir. Yes. Agar kisi ne micro level pe koshish ki ho, jaise Alok aap kar rahe ho, you know, in your city mein. तो सर, अब जो हम लोगों ने शुरू के दौर में जो हम लोगों ने किया था, इट वाज इन 2003-4-5 वी स्टार्टेड इंक्लूडिंग आवर स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी टू द मेन स्ट्रीम स्कूल.
तो उस समय बहुत सारा प्रॉब्लम्स हुआ था कि नहीं आ सकते जा सकते yes. जो हमारे पास दो चार पांच जो एग्जांपल्स थे इट वाज वेरी गुड और वो बच्चे अभी कहीं कॉलेज में हैं कहीं नौकरी कर रहे हैं बहुत अच्छे से. नाउ दे आर नॉट कॉल्ड एज ए इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड दे आर कॉल्ड एज ए पर्सन हु आर वर्किंग एज वॉट एवर द स्टेटस दे आर. तो वो जो चेंज खुद बच्चे में भी आया और उसको देख के पेरेंट्स में भी आया. लेकिन सर ये जो बात है वो घर से अगर बच्चे को भी उसी तरह से तैयार करें जो पेरेंट्स है वो अगर उसको प्रिपेयर करें पहले पहला स्टेज तो वो होगा. दूसरा स्टेज अगर हमारे पास स्कूल में अगर वो बच्चा आता है स्पेशल स्कूल में या इंक्लूसिव स्कूल में आता है तो वहां से वो निकलने का जो एक ट्रांजिशन प्लान है जो एग्जिट प्लान है अगर वो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है. मोस्ट ऑफ द स्पेशल स्कूल क्या हुआ है सर इसमें कि बिकॉज आई एम टेकिंग द फर्स्ट की हम लोग कहाँ पर लैक कर रहे हैं देन आई विल गो टू द की सोसाइटी में क्या करना चाहिए. तो जो मोस्ट ऑफ द स्पेशल स्कूल है सर वहां पर जो आईपी है इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान है उसमें ट्रांजिशन प्लान लैक करता है कि बच्चे को कितने समय के बाद उस स्कूल से निकलकर कहाँ जाना चाहिए. इफ वी टॉक अबाउट आर मनोविकास सर हम लोग जो बात करते हैं आज थिंक कॉलेज की कॉलेज के बारे में बात करते हैं क्योंकि ड्यू टू द ट्रांजिशन प्लान इट इज इन बिल्ट ऑन आर सिस्टम. तो बच्चे जब वो 10th क्लास 12th क्लास पास कर जाते हैं तो हमारे पास ऑब्वियसली वो बात आ जाती है कि हमें तो इसको निकाल के किसी कॉलेज में डालना होगा मेन स्ट्रीम स्कूल में डालना कॉलेज कॉलेज एजुकेशन में डालना होगा. तो हम लोगों ने फिर कुछ 2013 में हम लोगों ने फिर सीबीएसई से बात किया हुआ था. तो उस समय हम लोगों को ये एक जो स्किल नॉलेज प्रोग्राम तभी जोर पर था तो मनोविकास को दे हैव मेड द स्किल नॉलेज प्रोवाइडर टू वर्क इन द मेन स्ट्रीम स्कूल फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड. तो वहां से जो बच्चे निकले हैं दे आर डूइंग द हॉस्पिटैलिटी में एमबीए कर रहे हैं कोई अच्छे अच्छे कोर्स कर रहे हैं. तो अगर वो बच्चे एक बार हमारे सिस्टम से निकल जाए मतलब जो स्पेशल एजुकेशन का जो ठप्पा लगाया हुआ है हमारे सिस्टम से वो एग्जिट हो जाए हमारे सिस्टम में कोई ट्रांजिशन प्रोसेस हो जिससे कि वो बाहर निकले तभी वो मेन स्ट्रीम स्कूल में बड़े आराम से जा सकते हैं. इन स्पेशली आई टॉक अबाउट द इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में ये तो स्पेशल है कि जो बच्चे स्पेशल स्कूल में कहीं स्टक हो गए हैं तो उनकी लाइफ वहां पर पूरी तरह से स्टक है अगर उनके पास कोई ट्रांजिशन प्लान नहीं है. तो एक तो ये बात है सर. दूसरी बात है जो एटीट्यूडनल बैरियर के बारे में बात किया मैं देखा हूँ सर जो अपने प्रैक्टिस में देखा हूँ कि वंस दे एक्सेल इन टू द मेन स्ट्रीम कहीं भी स्कूल में या कॉलेज में या कहीं भी वो जॉब पे तो बच्चे या जो स्टूडेंट है वो अपने आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि उनको कोई डिसेबल्ड कहता नहीं है. नाउ दे आर द राम श्याम मोहन सीता गीता. तो जो एटीट्यूडनल चेंज है सर वो तो हमसे हमें दिखाना होगा करके हमें भेजना होगा पुश करना होगा लोगों को कि जाए और कुछ एग्जाम्पल्स क्रिएट हो जो कि लोग उसको देख के एटीट्यूडनल चेंज करे क्योंकि हम हर व्यक्ति को पकड़ के ये नहीं बताना शुरू कर सकते हैं कि भाई ये डिसेबिलिटी है डिसेबिलिटी इसे कहते हैं तुमको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए राइट्स देना चाहिए रिस्पेक्ट करना चाहिए ऐसा नहीं कह सकते. बट अगर कोई पर्सन भी डिसेबिलिटी है वी कैन क्रिएट सम एग्जाम्पल फ्रॉम दैट पर्सन दैट विल बी ग्रेट सर. वो एक तो मेन हो सकता है. नाउ विल सीमा मैम इफ यू वॉन्ट टू एड समथिंग और Nakvi ma'am, you want to add something? जी सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये किसी को पकड़ के हम नहीं बता सकते. जिन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन पॉसिबल करना है उनको कैसे पहुंचेंगे? हाँ ये चीज है वो वहां तक पहुंचना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है. अभी भी मैं देख रहा हूँ जो हम लोगों का थिंक कॉलेज प्रोग्राम है सर उसमें भी हम लोग डिफिकल्टी फील कर रहे हैं कि हम उस जिसको देना है इंक्लूजन वहां तक भी हम लोग पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल फील कर रहे हैं. ये तो है. एंड या जी बस मैं सर आप की बात सुन रही थी. यू आर वेरी वेलकम पीपल तो आप बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं काम करते हो. सो आई जस्ट वांटेड टू से कि जब हम एक बच्चे को एक क्लासरूम में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो इट इज नॉट जस्ट दैट चाइल्ड हु इज बेनिफिटिंग हमारे उसके सारे क्लासमेट्स एंड एवरीबॉडी फ्रॉम अ वेरी प्राइमरी लेवल वी आर सेंसिटाइजिंग ऑल दोस चिल्ड्रन. और ये काम हम बिना एक्चुअली प्रैक्टिकली उसको ऐड किए उसको बिना क्लासरूम में भेजे नहीं करा जा सकता. और एक बार जब एक बच्चा आ जाता है देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज इन द न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रन ऑल्सो यस नॉर्मल चिल्ड्रन कहते हैं न्यूरोटिपिकल बच्चों के अंदर भी वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट होते चले जाते हैं.
एंड हमारे बच्चे अगर 3-4 साल बाद एक क्लासरूम में अगर एक ऑटिस्टिक बच्चा है और फिर आप उस क्लासरूम में जाइए तो द एंटायर क्लास इज सो सेंसिटाइज्ड कि द क्लास वुड स्टार्ट एक्सप्लेनिंग टू यू के व्हाट इज द बेस्ट हाउ इज द बेस्ट वे टू इंटरैक्ट विद दैट चाइल्ड एंड द चिल्ड्रन एक्सेप्ट देयर पीयर्स वेरी वेल. सो इट इज समथिंग विच वी हैव टू टेक वेरी नेचुरली. हम उसको कोई बहुत बड़ा चीज बना करके ओके ये तुमसे बहुत अलग है या ये इसको तुमको ऐसे करना है. दिस मेक इन अ नेचुरल प्रोसेस कि इट्स लाइक वन ऑफ यू बट हम सबके अपने स्ट्रेंथ्स हैं, हम सबके अपने वीकनेसेस हैं. और जिन लोगों को सेंसिटाइजेशन नहीं है, हम एक टेंडेंसी भी देखते हैं अपने रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स में, हम बहुत इजिली जिनको सेंसिटाइजेशन नहीं है उनको हम ब्लेम करने लगते हैं. ओ द एंटायर वर्ल्ड इज सो इनसेंसिटिव, वो ऐसा वो वैसा. हमारे अंदर भी तो सेंसिटाइजेशन इसलिए है क्योंकि हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं. हाउ डू वी एक्सपेक्ट कि एक आदमी जो आईटी में काम कर रहा है वो इक्वली हमारी तरह सेंसिटिव हो जाएगा. अंटिल एंड अनलेस वी गिव देम एन एक्सपोजर कि देखिए ऐसा भी होता है, देखिए अगर ऐसा किया जाए तो ऐसा भी किया जा सकता है. देन आई एम सो फार इन माय एक्सपीरियंस आई डोंट थिंक एनीबॉडी हु गेट्स एन एक्सपोजर एंड सीज के इंक्लूजन वर्क्स एंड दीज आर द चेंजेस. आप अगर उन टीचर्स को भी और हमें उसको बहुत ज्यादा हवा नहीं बनाना कि अरे ये तो भाई ये तो अलग बच्चा आ गया है क्लास. और अगर हम उसे प्राइमरी लेवल से करना शुरू कर देते हैं आगे क्लासेस में जाते जाते इट इज अ simultaneously. Yeah. We will go to Archana ji. We want to know now from your side ki how you focus the equitable access to education for the person, the children, those who are living in the remote area, jo dur daraj mein rehte hain, jo aap ek agar kaha jaye ki samanta ka adhikar, shiksha ka adhikar, us pe ye cheez ko kaise aap ensure karte hain ki wo usko mil raha hai. जी मैम, अनम्यूट करना होगा आपको. जी अनम्यूट करना होगा. हाँ जी जी जी. एजुकेशन फॉर ऑल पे जो हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के साथ काम कर रहे हैं उनको तो हम लोग स्पेशल एजुकेटर के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं. लेकिन हम बात कर रहे हैं और भी जो बच्चे हैं जो जैसे रिमोट एरियाज में ST/ST के बच्चे हैं, BPL के बच्चे हैं जिनको अभी शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पाया. मतलब वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम वहां तक उनको शिक्षा नहीं पहुंचा पा रहे हैं. वो एक श्रमिक के बच्चे हैं जैसे, और वहां से जैसे वो आ रहे हैं इस तरह का, उनके लिए हम जो है कैसे काम करें ये सब एरियाज पे जो है विशेष बच्चों के लिए हम फोकस कर रहे हैं कि हम उनको पहले हम लोग CWSN में 7 एरिया पे काम करते थे, अब जो है 21 डिसेबिलिटी एरिया में काम कर रहे हैं और उन तक रिमोट एरिया तक पहुंचाना ये विशेष बच्चों को. और मतलब हम इस चीज को जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. नहीं जो जो चीज है मतलब ये बहुत ही मैं इसको आपके भाषा में अगर कहूं तो मेरा ये कहना होगा कि जो चैलेंजेस है वो बहुत ज्यादा है. चैलेंजेस अगर देखिए तो डाइवर्सिफाइड है वो. अगर एक SC/ST और अदर कैटेगरीज हो गया, फिर एक श्रमिक के बच्चे, फिर गांव दूर में रहने वाले बच्चे, फिर पहले 7 तरह की डिसेबिलिटी थी, अब 21 तरह की डिसेबिलिटी हो गई. तो अगर हम गवर्नमेंट के सिस्टम में देखें तो विद इन द सिस्टम इट इज गोइंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि जो लोग हैं, जो टीचर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी हर दिन कोई ना कोई नया चैलेंज हो जाता है. उनके लिए हर दिन कोई ना कोई नया असाइनमेंट बन जाता है जो कि काम करने में कहीं ना कहीं कठिनाई होती है. सर जो एक्चुअली इनके लिए जो हम सोचते हैं कि रिमोट एरियाज में हम इनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराएं कैसे, मतलब हम वहां पे उनको यही ग्रुप बना के क्लस्टर, क्योंकि वहां पे जो हमारे बच्चे हैं ST/ST के बच्चे एक समूह में हमें 20-25 मिल जाएंगे, लेकिन जो हमारे CWSN है वो कहीं किसी विद्यालय में एक है, उस एरिया में एक है, कहीं किसी
क्लस्टर में 5 हैं, इस तरह से हम उनको ग्रुप को बना के जो है वो हम प्रोवाइड नहीं करा रहे, तो इसलिए हम क्लस्टर पे ही उनको लेकर आते हैं और वहीं पे जो हमारे विशेष शिक्षक को मैंने, जैसे हमारे इटावा में, जनपद इटावा में अराउंड 4000 CWSN चिन्हित किए गए इंटीग्रेटेड एजुकेशन में, तो उस 4000 में स्पेशल एजुकेटर हमारे वर्किंग ओनली 21 है, तो अकॉर्डिंग टू ब्लॉक लेवल से हम उनको अगर डिवाइड किए हुए हैं, तो एक 1 or 2 एक ब्लॉक पे आ रहे हैं और वो जाके वहाँ क्लस्टर में पेरेंट्स को, तो ये हम जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना के ही उनको जो है वहाँ पे अभी फिलहाल ट्रेनिंग दे पा रहे हैं। हाँ, बस ये है कि हमारा एक क्लास ये स्पेशल स्कूल जो है, सॉरी, एक्सेलेटेड लर्निंग कैंप चलता है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, उसमें ये फायदा हुआ है कि वो जो बच्चे हमारे हेयरिंग के और ब्लाइंड के हैं, विजुअल के हैं, वो लोग अब फोन कर करके मुझसे जो है ब्रेल पेपर्स की मांग करते हैं, और HI बच्चे जो है वो ब्रेल पर वो साइन लैंग्वेज के माध्यम से और लिख के ये पूछते हैं कि कब तक स्कूल खुलेगा, हम लोग कब आएंगे, कब हमारे मतलब स्पेशल टीचर पढ़ाएंगे, जो सामान्य टीचर्स हैं उन वो कोशिश कर भी रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, लेकिन हमारे जो CWSN है वो इस चीज को मान नहीं रहे, वो ये कहते नहीं हम इन सर से या इन मैडम से पढ़ेंगे, इस तरह का है। और मैं एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में आ गई हूँ, तो जो हमारे स्पेशल एजुकेटर है मैं उनको बस गाइड करती हूँ कि आप ऐसे ऐसे ब्लॉक में जाएं, इस तरह से क्या क्या जो गवर्नमेंट के द्वारा सुविधाएं, अभी प्रेरणा लक्ष्य लेके हम लोग चल रहे हैं जिसमें भाषा और गणित का दो विकास जो है करके कि बच्चे जो है कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चे, अभी इसमें कक्षा 1 से 5 तक का लिया गया है, भाषा में और गणित में जो है विकास करें, और बहुत सारे मॉड्यूल्स और क्या कहते हैं दीक्षा ऐप के माध्यम से हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो इस चीज को जाने और वहां तक कम्युनिकेट कर सके, पेरेंट्स को बता सके कि वो उन बच्चों के लिए क्या क्या करें। पेरेंट्स भी हमें फोन करके बोलते हैं कि ये सुविधा होनी चाहिए पेरेंट हमारे बच्चों के लिए, कैसे होगा क्या होगा, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनको जो है प्रोवाइड कर सके एजुकेशन। थैंक यू देसाई सर। इफ यू अगर आपने अर्चना जी का बात सुना होगा तो उसमें हमें बहुत सारे मुद्दे जो आप बात बोल रहे थे सर, उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। द फर्स्ट इज की जो डाइवर्सिफिकेशन जो ग्रुप है कि वो बहुत ज्यादा है, और दूसरी जो बात है कि पहुंचना, जो अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, अगर अर्चना जी के एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में 4000 बच्चे हैं, तो उनका जो रीच है, आउटरीच, कि हम उस बच्चे तक कहाँ, उस बच्चे को पहले निकाल के तो लाए कि उसको आगे बढ़ाना है या ट्रेनिंग देना है, वो भी एक डिफिकल्ट माध्यम है। तो इसके कारण भी लगता है कहीं ना कहीं इंक्लूजन जो है सफर कर रहा है, क्या आप क्या बोल रहे हैं? देसाई सर नमस्कार। एक्चुअली सर जो सामान्य टीचर्स हैं हम उनको 5 days का ट्रेनिंग दिए भी कि कैसे बच्चों को सोशल एकेडमिक ऑक्यूपेशनल एरिया उनके सारे एरिया को लेके हम उनको स्कूल में पढ़ाएं, मतलब उनको बैठने का अवसर तो दें, लेकिन जो पुराने टीचर्स हैं वो जो है उससे डिनाई करते हैं कि नहीं इसके लिए स्पेशल एजुकेटर ही भेजिए आप, हम नहीं कर पाएंगे लाइक दैट। यही इश्यू है जो मेन स्ट्रीम के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं एजुकेशन में जी। उनकी तैयारी बहुत समय पे नहीं होती है, जैसे आप बिल्कुल सही कह रही, तो मेरा वही कंसर्न है, और उसको हम पॉलिसी लेवल पे कैसे कुछ एडवोकेसी कर सकेंगे भैया, ये इनको समझाना पड़ेगा कि दिस इज पार्ट ऑफ द वर्क नाउ जी सर। है ना सर? जो I agree with Seema initial suggestion आलोक कि शायद हमें if I might say एक idea, we need to perhaps have a national platform for ensuring inclusive education। Sure sir, sure, ये तो जरूरी है, बहुत जरूरी। National platform बनाए कि इसको कैसे ensure किया जाए। जी। You know people like Seema and Uma ji and you and all, है ना? क्योंकि उसको बहुत सारे लेवल पे समाज में और एडुकेशन सिस्टम में एड्रेस करना पड़ेगा, उसके बिना वो अधूरा सा रह जाता है। अधूरा सा है, ये तो है, कहीं ना कहीं मिसिंग है ये। सो स्टिल वी रिक्वेस्ट आवर ऑडियंस, प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चंस, एंड वी हैव गिवन यू द लिंक टू फिल द
feedback form, and there you can get the certificate. And also, I would like to tell you, we have the good practice series on every Wednesday. You can apply through our website, mashwara.live. वहाँ से आप भर सकते हैं. अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है और आपको लगता है कि हम मशवरा के प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहते हैं, you please fill the form and send us. And once again, I can tell you, we are coming on Wednesday, August 19th at 3 p.m. with a good practice episode. And I know, we have received so many inquiries regarding the Manovikas e-Gyan Sala, Open Basic Education Program of NIOS. So we will be coming with the special episode, especially on Manovikas e-Gyan Sala very soon. हम आप सभी के लिए, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लिखा है. मैं आप सभी का जो भी क्वेरीज है, जो भी इंक्वायरीज है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं. विल डेफिनेटली विल कम विद द कि कैसे आप मनोविकास ई ज्ञानशाला से जुड़ सकते हैं, अपने बच्चे को जोड़ सकते हैं, और कैसे एनआईओएस के प्रोग्राम से जोड़ सकते हैं. हम लोगों ने 2-3 प्रोग्राम्स पीछे किया भी था. डेफिनेटली वी विल कम विद ऑल दिस थिंग्स. वी विल गो टू जेपी जेसी गुप्ता सर. इफ यू सजेस्ट समथिंग प्लीज सर. थैंक यू सर. एक तो 74वें स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा, अभिनंदन, बधाइयां. सर एक अभी जो बात हो रही थी ना, जो न्यू एजुकेशन, जो पहले हमारी एजुकेशन पॉलिसीज आई हैं, जो पॉलिसीज आई हैं, उसके अंदर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं हुआ करती. जी जी. तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए उन्होंने टाइम लिमिट फिक्स की है कि भाई इतने साल में हमको ये प्राप्त कर लेना चाहिए. पहली बात तो ये. दूसरी बात ये है कि जो बीएड रेगुलर एजुकेशन है उसमें उन्होंने डिसेबिलिटीज के ऊपर एक स्पेशल सब्जेक्ट रखने के लिए बाध्य किया है. तो एनसीटी को उसकी डायरेक्शंस दी गई है कि भाई बीएड जो रेगुलर एजुकेशन है उसमें किया जाए. तीसरी बात जो कही गई है, जो हमारे ऑलरेडी रेगुलर टीचर्स हैं उसके लिए आरसीआई एनसीटी मिलकर के कोई प्रोग्राम बनाए जिससे उन बच्चों जो हमारे रेगुलर स्कूल के टीचर्स हैं उनको हम सेंसिटाइज कर सके. तो ये तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की चीजें थी कि एक टाइम बाउंडेशन दिया है और बीएड में स्पेशल एजुकेशन के ऊपर सब्जेक्ट होना चाहिए और टीचर्स के सेंसिटाइजेशन के लिए आरसीआई और एनसीटीई मिलकर के कोई प्रोग्राम बनाए, वो 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, रेगुलर हो, ऑनलाइन हो, जैसा भी हो, वो पॉलिसी मेकर डिसाइड करेंगे. नाउ अभी जो आज की बात थी होलिस्टिक एजुकेशन की, तो ये कहते हैं होलिस्टिक एजुकेशन जो है इज रूटेड इनटू एक्सपीरियंशियल लर्निंग. नाउ जब हम कन्वेंशनल क्लासरूम की बात करते हैं, जैसे नकवी जी ने कहा, सीमा जी ने कहा, तो उसमें क्या था कि बच्चे इंटरेक्शन होता है और हम फेस टू फेस होते हैं बच्चे के साथ में, हम कर सकते हैं, बच्चे को हम गाइड कर सकते हैं. तो अभी होलिस्टिक अप्रोच के अंदर क्या हुआ, हमको शिफ्ट करना पड़ा, न्यू पैराडिगम शिफ्ट हो गया एकदम. जो हमारे पढ़ने का तरीका है वो एकदम शिफ्ट हो गया, हम ई लर्निंग पर आ गए और हमारा जो कन्वेंशनल थॉट्स थे अबाउट स्पेशल एजुकेशन, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो सारा चेंज हो गया. नाउ वी हैव यूज द सेम मटेरियल विद मोर इनोवेशंस, मोर इंटरेक्ट, हैव मेड इट मोर इंटरेक्टिव एंड यूज्ड इट ऑन द वेबसाइट. ये था. देन एक और बात जो कहते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर उन्होंने कहा LRE, लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट. तो मैं जो मानता हूं, जो वो चाहे हमारे स्पेशल स्कूल्स हो चाहे रेगुलर स्कूल्स हो जहां हमारे बच्चे जाकर के पढ़ते थे, वो एक रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट था. बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे स्कूल के अंदर कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये करोगे, आप ये करोगे, ये करोगे, वो बाध्यताएं थी. यहाँ पर वो बाध्यताएं काफी खत्म हो गई हैं जब से हमारा ये ई लर्निंग प्रोग्राम या वर्चुअल लर्निंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये बहुत सारी चीजें हमारी खत्म हो गई हैं. देन क्लासरूम टीचिंग के अंदर भी हमारे यहाँ होता था 1-to-1 एंड ग्रुप टीचिंग. बहुत सारी चीजें थी जो हमको बच्चों को समूह में कराते थे, बहुत सारी चीजें थी हम जो 1-to-1 करते थे, वो अभी भी हमारी कंटिन्यू है. तो मगर इन अदर वे वहां पर कोई बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था तो हम उसी तरफ ध्यान नहीं देते थे. यहाँ पर सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, हम देख रहे हैं, उसको कह देते हैं कि भाई यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग, तो वो कंट्रीब्यूट करता है. तो ये एक और पैराडिग्म शिफ्ट है. देन पैराडिग्म शिफ्ट
बॉल पॉइंट का जो इन्वेंशन हुआ, पहले वो कलम और शाही से हम किया करते थे, फिर निब वाले पेन आए, तो एवरीबॉडी कैन नॉट यूज दैट, हर एक व्यक्ति के पास में वो यूज नहीं होता था, मगर बॉल पॉइंट एक ऐसा इन्वेंशन हुआ कि एनीबॉडी विद डिसेबिलिटी विदाउट डिसेबिलिटी अडेप्टेशन करके, अगर वो पकड़ नहीं सकता उसको मोटा करके हम यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें थी। जहां तक इंक्लूसिव एजुकेशन का सवाल है, इंक्लूसिव एजुकेशन के सवाल में ये आता है कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के पास में चैलेंजेस हैं, अगर वो उन चैलेंजेस को एज अप्रोप्रिएट क्लासरूम के अंदर मीट कर लेता है विद सपोर्ट विदाउट सपोर्ट, तो वो वहां पर आ जाती है। एक और बात सर, अगर टाइम हो तो मैं कह दूं। जी जी प्लीज सर। सेंसिटाइजेशन की बात हुई थी, इंक्लूजन ने सेंसिटाइजेशन को बढ़ाया है, एंड दैट टू इन द यंगर जनरेशन। जो सेंसिटाइजेशन बढ़ रहा है, मैं एक रेगुलर स्कूल का टीचर हूं, मेरी क्लास में एक बच्चा है विद डिसेबिलिटी, तो मेरी क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं और 40 बच्चे सेंसिटाइज हुए, वो घर में जाकर के अपने माता पिता से बात करते हैं, माता पिता सेंसिटाइज हुए उसके बच्चे के बारे में, उस बच्चे के भाई बहन सेंसिटाइज हुए, वो भाई बहनों के दोस्त सेंसिटाइज हुए, तो ये चेंज जो है चलती जा रही है, सेंसिटाइजेशन बढ़ रहा है और धीरे धीरे सेंसिटाइजेशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब बनाई गई तो पॉलिसी मेकर वर फुल्ली सेंसिटाइज अबाउट डिसेबिलिटीज, प्रॉब्लम ऑफ डिसेबिलिटीज, नीड्स ऑफ डिसेबिलिटीज। थैंक यू सर। ग्रेट सर, आपने तो पैराडाइम शिफ्ट को जो है कि परिभाषित कर दिया कलम से लेकर आज जो है इंटरनेट तक। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई सर। देसाई सर, यू वांट टू गिव योर फाइनल रिमार्क्स? प्लीज अनम्यूट सर, अनम्यूट सर। आई जस्ट वांट टू से कि गुप्ता साहब से मैं एग्री करता हूं, लेकिन मुद्दा ये है गुप्ता जी और हम सब साथी गौर करें, अक्सर मानव इतिहास में और खासकर 20वीं और 21वीं सदी में एक्सेप्टेंस ऑफ अ न्यू मेथड इज मेड वेरी इजी बाय टेक्नोलॉजिकल लीप। टेक्नोलॉजी सामाजिक ऑब्स्टेकल्स को बड़ी आसानी से ओवरकम कर जाती है, ये सही बात है, मैं एग्री करता हूं। मुझे ये लगता है कि बदनसीबी से इंक्लूसिव एजुकेशन वाला जो फंडा है वो शायद उस कैटेगरी में नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो कॉन्स्टेंटली दूसरे बच्चों की, दूसरे अभिभावकों की एटीट्यूडनल चेंज चाहिए, मुझे कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल लीप नहीं नजर आ रहा है भविष्य में भी वो आसानी से कर सके। तो जहमत जो है वो हमें जारी रखना पड़ेगी। अब इनफैक्ट सोचे अगर ई लर्निंग एंड वर्चुअल मोड लर्निंग माइट बी वन सच थिंग दैट कैन हेल्प। होता क्या है कि भी स्कूल में क्लास में जब बच्चों ने करीब बैठना है तो जो सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चे हैं दे एंड देयर पेरेंट्स हैव अ डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम, मे बी वर्चुअल मोड इज वन सच थिंग जो गुप्ता साहब रिफर कर रहे हैं। बट अभी भी बहुत सारी चीज डीपर एटीट्यूड की है, तो हमें मुझे अभी भी लगता है कि जो सीमा ने बात कही, जो अर्चना जी अपनी ग्राउंड रियलिटी से कह रहे हैं, वो हमें कहीं कुछ वालों सच में कोशिश करना चाहिए। आई विल गो बैक टू माय आइडिया, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर और नेशनल एडवोकेसी फॉर एंश्योरिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, गेट ऑल द वाइस चांसलर्स एंड द डीन्स ऑफ द हायर एजुकेशन एक्चुअली एज द टारगेट, यू नो। ओके ओके सर, थैंक यू सर। बट ऑल द मेरे पर्सनल हाफ पे and of course on behalf of the Manavikas family, big thank you to all the three experts. Yes, great. Doctor, एक बात कहना चाहूँ, सुनिए। जी जी। सर, हम कहते हैं ना motivation या प्रेरणा, वो अंदर से आ सकती है, हम किसी को प्रेरित नहीं कर सकते हैं, we can create conditions so that he can get motivated. So is the attitude. मेरी मनोवृत्ति में या मेरे attitude में आप change नहीं ला सकते, आप जितना मर्जी कह लीजिए। मगर हम अगर कंडीशंस ऐसी क्रिएट कर दें, गुप्ता साहब ये चर्चा जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आंतरिक और बाहरी दबाव दोनों से ही बदला होगा, नहीं तो एडवोकेसी का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं सर, एडवोकेसी ये है ना कि एडवोकेसी के अंदर हम सक्सेसफुल गुड प्रैक्टिस जो हम लाए हैं
तो वो उनको देख देख करके या जो सक्सेसफुल केसेस हैं उनको निकाल निकाल करके हम दिखाएंगे। ये सही बात है, तो एटीट्यूडल चेंजेस आएंगे आएंगे। थैंक यू सर। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू सर। एंड आई विल टेक द आई विल जस्ट इन्फॉर्म आवर ऑडियंस, लक्ष्मी नारायण उपाध्याय जी, वी विल बी कमिंग विद द एनईपी 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। हमने अभी देसाई सर से भी बड़े अच्छे से इस टॉपिक पे बातचीत नहीं की है। हम लोग डेफिनेटली विल टॉक एंड देन विल फाइंड आउट द एक्सपर्ट एंड देन विल कमिंग इट। एंड वेयर एज यू सजेस्टेड अबाउट द सीआरई पॉइंट ऑफ दिस मशवरा, सो हम लोग मशवरा को इंटरेक्टिव सेशन बनाना चाहते हैं, हम एक दूसरे से सीखना चाहते हैं, तो वो हम लोग एजुकेशन वाली बात यहाँ पर ना करके ज्यादा इंट्रैक्शन और ज्यादा शेयरिंग की बात करें जो नए आइडियाज का जन्म दे। yes, जैसे जैसे आज सर का जो एक बहुत ही अच्छा आइडियाज था सर कि नेशनल एडवोकेसी फॉर इंश्योरिंग एडवोकेसी प्लेटफॉर्म फॉर इंश्योरिंग द इंक्लूसिव एजुकेशन, इस तरह के आइडियाज हम जरूर लेकर आए, तो मशवरा इसके लिए अच्छा है। सो एट द एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स एंड इट इज माई प्रिविलेज टू एक्सटेंड माई हार्टफेल थैंक्स टू ऑन दिस 33 episode of Mashwara. On behalf of Mashwara team and Manovikas family and entire fraternity of our institution, first of all, I extend my sincere thanks to Almighty God. And then on my behalf and behalf of Dr. Desai sir and Manovikas family, I extend very heartily thanks to expert Simatuli ji, Archana Sinha ji, and Akshi Naqvi ji, thank you very much for coming here and sparing some time for us from your biggest schedule. I know this is Independence Day, aaj chutti hogi, bahut sari movies aa rahe honge, fir bhi, and Seema Tuli ma'am, big thanks to you, maine aapke vacations pe aapko jo hai ki pull out kiya ki please come and have your things and gracing the Mashwara. It is great sir, great all three experts, and thank you very much for informative address Desai sir, for gracing the Mashwara and sharing good ideas. And today, aaj ka jo ek idea hai, maybe it will be one of the new dimension for us. Yes. I must mention my deepest sense of appreciation to J.C. Gupta sir. Thank you very much. And thank you very much all.